CSS ट्रिक्स फ्लैक्स बॉक्स करके आप लिखेंगे गूगल पे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। ये छोटा सा एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स की जो टेक्निक है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स CSS का पार्ट नहीं था, 2017 में उसको फ्लैक्स बॉक्स का पार्ट बनाया, CSS का पार्ट बनाया गया है। उससे पहले जो हम करते थे इसको, वो बतौर लाइब्रेरी इसको हम इस्तेमाल करते थे, लाइब्रेरी के तौर पर यह इस्तेमाल होता था, ये CSS का पार्ट नहीं था। ठीक है, लाइब्रेरीज़ इंशाल्लाह हम जब जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे लाइब्रेरीज़ हम बहुत सारी इस्तेमाल इस कोर्स में करेंगे। अच्छा, ये इसका मकसद क्या है, कह रहे हैं कि एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट एंड अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग द आइटम इन अ कंटेनर। अब कह रहे हैं कि भाई ये तीन बातों का जिक्र किया है, लेआउट बनाने के काम आता है ये फ्लैक्स बॉक्स जो है, कंटेंट के अंदर किसी भी डिव के अंदर मौजूद कंटेंट को अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट स्पेस करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं एक मिनट इस वेबसाइट को मैं ना अलग टैब में ले आता हूँ ताकि इसको हम एज अ रेफरेंस खोल के देख सकें। जैसे आप देखें ये एक डिव है ना, ये वाला जो पूरा नेविगेशन बार है ये एक डिव है, तो इसके अंदर जो है स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें इसके जो जितने भी आइटम्स हैं। तो अच्छा, मैं अगर इसमें से शायद एक चीज़ डिलीट कर दूँ ना अगर, तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर लेगा। ठीक है, ये मेरे पास ये डिव है, इसके अंदर ये नैव है और ये यूएल है और एक एक आइटम है इसके। अब ये फाइंड योर होम को मैं डिलीट मार देता हूँ, अगर फाइंड योर होम को मैंने डिलीट मार दिया, आप नोट करें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर लिया स्पेस को, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इसका कॉन्टेंट ढूंढ के ना उसको डिलीट मारा। ठीक है, मैं एक और डिलीट मार देता हूँ, ब्लॉग, सही है, जूम करने की ज़रूरत नहीं है, जूम करने की ज़रूरत है, मैंने जस्ट वो, ये मतलब जहाँ पे मेरा कर्सर है ना इस वक्त, ये जगह आपको नज़र आना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि ये एक डिव है, असल में ये पूरा एक डिव है। आप जो स्क्रीन के ऊपर ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है ना, इस जगह पर आप नज़र रखें, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे आइटम्स हैं। अब मैं ये देखें ब्लॉग को या वारंटी को, मैं वारंटी पे क्लिक किया मैंने और डिलीट का बटन दबा दिया, वो डिलीट हो गया। तो आप देखें स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया उसने, क्यों, क्योंकि ये फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए इसने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही बात लिखी है कि फ्लैक्स बॉक्स का जो एम है ना वो प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट। अच्छा, लेआउट बनाता कैसे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग द आइटम इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर मौजूद आइटम्स के अंदर वो बोलता है कि भाई इवनली आप स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में, जितने भी होंगे वो भी हो जाएगा, इवन व्हेन देयर साइज इज अननोन और डायनेमिक। कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि हमें उसका साइज़ भी ना पता हो। अब ये जो एक एक आइटम है ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, देखें कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ज़्यादा है, होम में थोड़ा कम है, तो इनका साइज़ तो अननोन था, वेबसाइट में फिक्स थोड़ी है कि इतने पिक्सल का होगा, ये वो जितना टेक्स्ट होगा उतना होगा, लेकिन आप देखें उसके बावजूद इसने इसको सही तरह पकड़ा हुआ है। ठीक है, और अननोन साइज़ उस सूरत में भी होता है कि जब हमारा स्क्रीन साइज़ अननोन होता है, स्क्रीन साइज़ छोटा बड़ा होता है तो उस पर भी अपने आप को ये एडजस्ट करता है। ठीक है, इन्होंने बहरहाल फ्लैक्स बॉक्स से नहीं किया हुआ, इन्होंने स्क्रीन साइज़ चेंज होने पे मीडिया क्वेरी के ज़रिए पूरा का पूरा पेज ही दूसरा दिखाते हैं ये। ठीक है, वेल तो ये हमें समझ आ गई कि इसका मकसद क्या है। अच्छा, लेआउट किस चीज़ को कहते हैं और एफिशिएंट का क्या मतलब है, ये भी समझना ज़रूरी है। लेआउट जो होता है, ले का मतलब होता है लेट जाना, सही है, ले का जो मतलब है वो लेट जाना होता है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को बिछाते हैं ना जब, तो मतलब हम बिछाने को हम कहते हैं लेआउट, कि जी कोई जैसे शतरंज की जो बिसात होती है उसको बिछाते हैं हम, उस पर वो गोटियाँ सजाते हैं, तो उस बिछाने को हम कहते हैं कि जी, या जैसे ये रूम है या ये पूरा जो प्लॉट है ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो इसका भी एक नक्शा बिछाया गया होगा किसी टाइम कि भाई यहाँ पे दरवाज़ा होगा, यहाँ पे खिड़की होगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि लेआउट, की जी कहाँ पे क्या होगा, किस तरह होगा। तो हम वेबसाइट भी जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक अदर लेआउट होता है। मैं आपको वेबसाइट लेआउट की ज़रा शक्ल दिखाऊं कि किस तरह से जो है वो वेबसाइट का लेआउट शुरू में ही सोच लिया जाता है कि भाई इस तरह का होगा। ठीक है, ये देखें, ये कुछ मुख्तलिफ लेआउट हैं कुछ वेबसाइट्स के। ठीक है, कुछ बेहतर एग्जांपल अगर मिल जाए मुझे, देखें ये, हाँ ये देखें, ये एक लेआउट है, ये वेबसाइट का एक टिपिकल लेआउट है कि जी इधर लोगो होगा, इधर नेविगेशन बार होगा, इधर हेडर होगा, चार पेजेस हैं, चार लेआउट है। ठीक है, ये वाला पेज मोस्ट प्रोबेबली गैलरी का पेज है, ये वाला पेज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली शायद आर्टिकल का पेज है कि जी एक आर्टिकल होगा, उसके आर्टिकल की हेडिंग होगी, उसके नीचे टेक्स्ट होगा काफ़ी सारा। ठीक है, अब ये वाला मोस्ट प्रोबेबली शायद होम पेज है,
ठीक है, तो इस तरह से हम पहले ही सोच लेते हैं शुरू में कि जी लेआउट किस तरह का होगा। ये देखें आप, ये लेआउट है, इसमें पिक्चर विक्चर कुछ भी नहीं लगी हुई, बस ये लॉरेल इप्सम लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि जी इस तरह का लेआउट होगा। तो ये लेआउट तो सोचना तो वो तो ड्राइंग ऐप पे आप सोच रहे होंगे ना, या पेपर पे सोचेंगे आप, लेकिन जब उसको कोडिंग में लाना होगा तो उसके ज़रिए आप क्या कहते हैं, आप प्लेन सीएसएस के ज़रिए भी उसको ला सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स उसको इस्तेमाल कर लें तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि मोर एफिशिएंट वे, यानी बगैर फ्लैक्स बॉक्स के भी ये काम हो सकता है। फ्लैक्स बॉक्स का काम क्या है, इसका एम ये है, प्रोवाइडिंग एट मोर एफिशिएंट वे। कौन बताएगा एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? मौसर, बेहतर तरीके से जी। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है जी आप? अच्छा, जो मैंने वीडियो दी थी उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि एफिशिएंट का क्या मतलब है। तो अगर उस वीडियो का वो पार्ट किसी ने देखा होगा तो उसको पता होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना इंजन की एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जितना फ्यूल इसमें डाला जाता है उसको किस हद तक ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। मिसाल के तौर पे जो हमारा अच्छे से अच्छा डीजल इंजन इस वक्त मौजूद है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50-60% होती है। इसका मतलब ये है कि 50% जो भी फ्यूल डाला जाता है उसमें 50% फ्यूल को वो जला के कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, बाकी बगैर जले साइलेंसर से बाहर हो जाता है। ठीक है, और वो एनवायरनमेंट में आके आपकी सांस को मज़ीद बेहतर बनाता है। ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा अचीव नहीं किया जा सकता फ़िलहाल के लिए। ठीक है, फ़िलहाल ये बेस्ट है। और जो हमारे गैसोलीन इंजन होते हैं इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डीजल इंजन से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर दूसरी साइड से कान पकड़ें तो डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट पड़ जाता है। ठीक है, तो वेल अभी ये अलग डिस्कशन है मैकेनिकल इंजीनियर्स की। अच्छा, इसी तरीके देखें, अब मैं और सिंपल आपको मिसाल देता हूँ। कोई भी मशीन होती है ना, उसका एक इनपुट होता है, उसका एक आउटपुट होता है। गाड़ी के केस में पेट्रोल उसका इनपुट है और मैकेनिकल एनर्जी उसका आउटपुट है। फ्यूल डालते हैं, हमें वो पहिया घुमा देती है। एक सबसे सिंपल मशीन जो है वो कैंची है। कैंची के एक साइड पे आप हाथ से पकड़ते हैं, दबाते हैं उसको, ये आपका इनपुट है, और दूसरी साइड जो धार वाला पार्ट है वहाँ पे वो कपड़ा कट जाता है, वो उसका आउटपुट है। तो जितना इनपुट आप यहाँ से देते हैं उतना ही आउटपुट अगर सामने से वो निकल जाए तो दिस इज़ आइडियल मशीन। इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टर्म में कहते हैं आइडियल मशीन। आइडियल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती भाई साहब। ठीक है, तो मे बी 80-90% जो है आपकी एनर्जी वहाँ तक कन्वर्ट हो जाती है, बाकी की एनर्जी ज़ाया हो जाती है, कन्वर्जन में ज़ाया हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जो रेशो है ना, जो ये रेशो जो है, ये जितना ज़्यादा होता है हम कहते हैं मशीन उतनी एफिशिएंट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मशीन है जिसमें आप 100% इनपुट देते हैं तो 50% कन्वर्ट होता है, तो इसका निस्बतन क्या है, एफिशिएंसी कम है। अगर कोई ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट आप देते हैं 100% बट उसमें 90% जो आगे कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका कन्वर्जन रेशो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंट। अच्छा, इसी तरह बंदे में आप जैसे पीटी करते हैं, कोई बंदा अगर एक गिलास दूध पी के 1 किलोमीटर भागता है और दूसरा बंदा 1 गिलास दूध पी के 2 किलोमीटर भागता है, तो 2 किलोमीटर भागने वाला ज़्यादा एफिशिएंट है। कोडिंग में इसको आप समझते हैं कि कोडिंग में एफिशिएंसी क्या चीज़ है। कोडिंग में क्या होता है, आप कोडिंग करते हैं और कुछ रिजल्ट सामने निकल के आता है ना, एक वेब पेज बन रहा होता है। तो कम कोडिंग में अगर बड़ा वेब पेज बन जाए तो ये एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई। ठीक है, कम कोड लिखना पड़े आपको और आपका काम हो जाए, यानी कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल जाए आपको, तो ये एफिशिएंसी हो गई। तो जो पहले तरीका मौजूद है ना, फ्लैक्स बॉक्स से पहले जो तरीका मौजूद था, ये कह रहे हैं कि हमारा एम ये था कि हम क्या प्रोवाइड करें, मज़ीद एफिशिएंट वे प्रोवाइड करें लेआउट को बनाने का। और वो कैसे किया इन्होंने कि भाई अलाइन और वो डिस्ट्रीब्यूट स्पेस का काम कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये फ्लैक्स बॉक्स समझ आ गया कि फ्लैक्स बॉक्स को क्यों सीएसएस में शामिल किया गया। अब एक चीज़ और समझ लें जो बड़ा अहम है, अगर ये आपको समझ आ गया ना तो इंशाल्लाह फ्लैक्स बॉक्स आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। द मेन आइडिया बिहाइंड द फ्लैक्स लेआउट इज़ टू गिव द कंटेनर द एबिलिटी टू अल्टर इट्स आइटम। अब कह रहे हैं कि ये जो पूरा कहानी इन्होंने घुमाई है ना, वो किया इन्होंने ये है कि फ्लैक्स बॉक्स में जिस कंटेनर को हम ये कहते हैं कि बच्चा आप फ्लैक्स कंटेनर हो या आप फ्लैक्स बॉक्स हो, तो उस कंटेनर को ये अथॉरिटी मिल जाती है, उसके पास ये एबिलिटी आ जाती है कि उसके जो चाइल्ड हैं
उसको वो अल्टर कर सकता है। अच्छा, क्या अल्टर कर सकता है? विड्थ, हाइट, ऑर्डर, बेस्ट फिल, अवेलेबल स्पेस। ठीक है, ये तीन चीज़ों को अल्टर कर सकता है वो। एक डिव मैंने बनाया, उस डिव को मैंने डिक्लेयर किया सीएसएस के ज़रिए कि आप फ्लेक्स बॉक्स हो, आप फ्लेक्स डिव हो, आप फ्लेक्स कंटेनर हो, ये एक ही चीज़ के नाम है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम आपको मिलेंगे, एक ही चीज़ है ये। तो हाँ, कोडिंग में भी ये नीचे कोडिंग है इसके। ये समझ आ गई बात, ये थ्योरी समझ आ गई कि एक डिव को जब हम बोलते हैं कि भाई आप फ्लेक्स बॉक्स हो आप, ठीक है, कोडिंग के ज़रिए हम उसको अभी कैसे डिक्लेयर करते हैं फ्लेक्स बॉक्स, वो हम देखते हैं। और जब उसको बोल देते हैं कि भाई आप फ्लेक्स बॉक्स हो, तो उस डिव के पास यानी उस कंटेनर के पास ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने डायरेक्ट चाइल्ड को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्या क्या चेंज कर सकता है? उसकी विड्थ, हाइट और उसका ऑर्डर, ठीक है, और बेस्ट फिल अवेलेबल स्पेस। अभी लगा के देखते हैं, अभी लगा के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखें, नोट करें, ये बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है सिर्फ कंटेनर और उसके अंदर मौजूद आइटम। अब ये हाँ नहीं, अभी आपका सवाल सही है कि जी, अब इनका सवाल असल में ये है, अगर मैं इनका रीफ्रेस कर दूं कि जी, ये आइटम की जो बात हो रही है, ये कौन सा आइटम? आइटम तो हेडिंग भी है, आइटम तो एक और डिव भी हो सकता है, आइटम तो एक इमेज भी हो सकता है जी, ये तमाम आइटम्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप दोस्त कह रहे हैं कि इन्होंने इमेज को एज अ आइटम जब लगाया तो वो मसला कर रहा था, तो हम अभी इमेज को एज अ आइटम लगा के देख लेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसको हम देख लेंगे चला के। ये तमाम आइटम्स की बात हो रही है जितने भी सीएसएस में, यानी जो पेरेंट होगा वो भी एक बॉक्स होगा। आप शुरू में देखा था हमने कि सीएसएस हर चीज़ को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो, तो कोई भी बॉक्स होगा। तो जो हम फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे ना, यानी पेरेंट जो बनाएंगे, कंटेनर जो बनाएंगे, वो भी एक बॉक्स है, उसके अंदर आने वाला आइटम भी एक बॉक्स है, चाहे उस एलिमेंट का कोई भी नाम हो, एट द एंड ऑफ द डे वो है एक बॉक्स और है एक आइटम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड का अथॉरिटी आती है इसके पास। मिसाल के तौर पे एक डिव है, उसके अंदर चार आइटम्स हैं, डायरेक्ट चाइल्ड है ना वो, उसके सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड की अथॉरिटी आती है। उन चार आइटम के अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसकी अथॉरिटी नहीं आती, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड के पास ही अथॉरिटी आ जाती है। तो अच्छा, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ फ्लेक्स कंटेनर एक्सपेंड आइटम टू फिल अवेलेबल फ्री स्पेस और श्रिंक देम टू प्रिवेंट ओवरफ्लो। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक फ्लेक्स कंटेनर अगर है ना, तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या करे, जब उसको श्रिंक किया जाए तो अपने अंदर मौजूद आइटम को भी वो श्रिंक कर दे साथ साथ, कि बच्चा आप भी श्रिंक हो जाओ, जगह कम है। और अगर उसको एक्सपेंड किया जाए तो वो अपने अंदर के आइटम को भी एक्सपेंड करने की सलाहियत रखता है। अब ये करेगा कब और कैसे करेगा ये नहीं बताया यहाँ पे इन्होंने, इन्होंने बोला कि बस मिसाल के तौर पे ये वो कर सकता है जब वो चाहे वो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट इज़ अ डायरेक्शन एग्नोस्टिक एज अपोज टू अ रेगुलर लेआउट। ये फ्लेक्स बॉक्स जो है ना, डायरेक्शन एग्नोस्टिक जो इसने बोला है ना, ये ज़रा मुश्किल सा इसने वर्ड यूज़ किया है, लेकिन आप इसको आसानी से ये समझें कि जब हम ने फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ा था तो उस वक्त जो लेआउट होता था वो कैसा होता था, वो ऐसा होता था कि जी, जो चीज़ ऊपर हम लिखते थे कोड में वो ऊपर आती थी, उसके बाद जो लिखते थे वो उसके बाद आता था, और उसके बाद जो लिखते थे वो उसके बाद, तो टॉप टू बॉटम चलता था हमारा लेआउट, और हमारा जो लेआउट था वो लेफ़्ट टू राइट चलता था। अगर जैसे हम इमेजेस लगाते हैं तो इमेजेस इन लाइन होती हैं, तो पहला जो इमेज है वो लेफ़्ट पे होगा, फिर उसका राइट, फिर उसका राइट, और वो राइट मोस्ट तक जाता है, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाता था। तो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट हमारा लेआउट चलता था इससे पहले जो था, बगैर फ्लेक्स बॉक्स वाला। कह रहे हैं कि जी, फ्लेक्स बॉक्स में ऐसा नहीं होगा। फ्लेक्स बॉक्स में क्या होगा, ये डायरेक्शन एग्नोस्टिक है, ठीक है। क्या करेगा जी, ब्लॉक विच वर्टिकली बेस्ड ऑन लाइन और हॉरिजॉन्टल बेस। अच्छा, तो जैसे ही हम इस पर फ्लेक्स बॉक्स लगाएंगे ना, तो वो पुराने सारे जो लेआउट के डायरेक्शन है ना, वो सब भूल जाएगा। वो पुराने जितने भी डायरेक्शन है ना, वो सब भूल जाएगा, और फ्लेक्स बॉक्स वाला डायरेक्शन उसको याद आ जाएगा। अच्छा, वो हम चेंज भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर टॉप टू बॉटम है तो उसको बॉटम टू टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जो पहले लिखें वो नीचे है, उसके बाद लिखें वो ऊपर है, ठीक है। तो बगैर वक्त हम मज़ीद आया कि ये बात कोडिंग लिखेंगे तो समझ आएगी, ऐसे थ्योरी में शायद ये वाला जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया ना, ये शायद सिर्फ थ्योरी से समझ में ना आए आपको। अच्छा, अब ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि ये
कोडिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है, कोडिंग की तरफ हम मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ही आर्टिकल लिखा है, आई अप्रिशिएट जिसने भी ये लिखा है। इन्होंने क्या किया है कि जी एक तरफ जो साइड है ना, ये वाली साइड जो लेफ्ट वाली साइड है स्क्रीन पर, इसमें सारा का सारा वो CSS प्रॉपर्टी लिखी है जो पेरेंट के ऊपर लगता है, जो कंटेनर के ऊपर लगता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ जो है कंटेनर पे क्या लगती है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगती है। अच्छा, ये जो इन्होंने लिखा है ना डॉट कंटेनर, ये फर्जी एक क्लास है ना, एक फर्जी क्लास है जो ये एज्यूम कर रहे हैं कि जी कोई डिव है उस पर वो एक क्लास लगी हुई है कि कंटेनर है, ठीक है। आप कोई और क्लास भी रख सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, आपने जस्ट ये दरमियान वाले पे फोकस रखना है कि जी डिस्प्ले फ्लेक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ना ये लगेगी किसी भी कंटेनर पे, और ये लगते ही वो कंटेनर क्या हो जाएगा, वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह इसके नीचे आप आएंगे ना, ये सारा का सारा जो नीचे है यानी लेफ्ट साइड पे, ये कंटेनर पे लगने वाले आइटम हैं, और राइट साइड पे जो है वो कंटेनर के अंदर मौजूद चिल्ड्रन के ऊपर लगने वाले प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो क्या है जी, फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा, फ्लेक्स आपने लगा दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके साथ साथ आपने एक प्रॉपर्टी और लगानी है फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि रो हो सकती है, रो रिवर्स हो सकती है। अच्छा, रो का क्या मतलब है, रो का मतलब है ये, यानी कि लेफ्ट टू राइट, सही है, ये रो है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट में अगर आप ये नहीं लगाते हैं ये प्रॉपर्टी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रो कंसिडर करता है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स के साथ ये सब लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रो खुद से लगा देता है। अगर आप इसको करते हैं रो रिवर्स, तो रो रिवर्स का क्या मतलब है कि ये राइट टू लेफ्ट करेगा, यानी अपोजिट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, यानी जो जिस तरह पहले चलता था लेफ्ट टू राइट, अब ये अपोजिट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कॉलम में क्या करेगा, सेम एज रो बट अब टॉप टू बॉटम, कि जी कॉलम क्या है, टॉप टू बॉटम इसका लेआउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये चारों डायरेक्शन बना के दिखाया, तो चारों में से कोई भी डायरेक्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप देखें यहाँ पे फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप क्या चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स आइटम विल ऑल ट्राई टू फिट ऑन टू वन लाइन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मौजूद जितने भी आइटम हैं वो सब एक लाइन में फिट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो सब के सब एक लाइन में फिट होने की कोशिश करेंगे। यू कैन चेंज दैट टू अलाउ द आइटम टू रैप एज नीडेड विद दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जो वो नो रैप है, जैसे कि इसने बोला नहीं होगा रैप, वो दूसरा है कि जी रैप, और दूसरा है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स जो है वो क्या है, ये इस तरफ से आ रहा है ना, वो उस तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से लगा के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक इस तरफ से रैप हो रहा है, दूसरा रैप दूसरी साइड से हो जाएगा। हाँ, ये सारे अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी हम ये वाली वेबसाइट जो है ना, ये वाली, इसको हम बनाएंगे अभी। अच्छा, अभी हम इसको बना के देखेंगे। अच्छा जी, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या चीज़ है, ये शॉर्ट हैंड है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को दोनों को मिला के आप शॉर्ट हैंड में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि आप शॉर्ट हैंड, अगर आपको हाथ सेट हो गया तो शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं आप, मैं लेकिन शुरू में शॉर्ट हैंड रिकमेंड नहीं करता। शुरू में मैं कहता हूँ कि भाई आप पूरा पूरा लिखें, फ्लेक्स डायरेक्शन अलग लगाएं और फ्लेक्स रैप आप अलग लगाएं, मैं भी यहाँ पे अलग अलग ही लगाऊंगा। जस्टिफाई कंटेंट का क्या काम होता है कि एक कंटेनर के अंदर, सही है, जो आइटम मौजूद हैं वो किधर हो जाएं। मिसाल के तौर पर कंटेनर जो है वो बड़ा है, 1000 पिक्सल का कंटेनर है, ठीक है। मैंने कंटेनर को बोला है कि भाई आप 1000 पिक्सल के हो, अब उसके अंदर मौजूद जो आइटम है वो 100 पिक्सल के हैं और तीन ही आइटम हैं, अब वो दरमियान में हो जाएं, लेफ्ट पे हो जाएं, राइट पे हो जाएं, उस पूरे डब्बे में वो किधर हो जाएं, तो ये वो वाली बात है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी। अगर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट होगा, यानी कि फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है ये वाला, यानी वो पूरा का पूरा लेफ्ट पे हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। इसकी ये मजीद प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड से वो आखिर में चला जाएगा, सेंटर से वो दरमियान में आ जाएगा, स्पेस बिटवीन से वो इवनली स्पेस ले लेगा, स्पेस अराउंड से क्या करेगा वो इवनली स्पेस ले लेगा, बल्कि शुरू में और आखिर में भी थोड़ा थोड़ा ले लेगा 50-50%। तो ये सारे इसके अंदर अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम इन सब का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये हमने देख लिया इनफ, अब आ जाते हैं इस तरफ कि आइटम पे लगने वाले जो जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। आइटम पे लगने वाली चीज़ सबसे पहले है ऑर्डर, ठीक है। किसी भी आइटम को, मिसाल के तौर पे आप नोट कीजिएगा अगर कि मेरे पास एक डिव है 1000 पिक्सल का, उसको मैंने कहा भाई फ्लेक्स बॉक्स हो, उसके अंदर मैंने तीन आइटम लगा दिए 100-100 पिक्सल के,
जो अभी जिक्र हुआ था, पहला आइटम जो उसमें होगा वो कौन सा होगा जो मैंने कोड लिखते हुए पहला लिखा है, दूसरा आइटम वो होगा जो मैंने कोड लिखते हुए सेकंड नंबर पे लिखा है, और तीसरा वो होगा जो मैंने कोड लिखते हुए थर्ड पे लिखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो थर्ड पे मैंने आइटम लिखा है वो कहाँ आ जाए, वो सेकंड नंबर पे आ जाए, बजाय थर्ड पे रहने के वो सेकंड पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उस आइटम पे स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि आपका ऑर्डर क्या हो जाए, आपका ऑर्डर हो जाए टू। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है सबका वो क्या होता है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है कि जी बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स आइटम्स आर लेड आउट द सोर्स ऑर्डर। ठीक है, सोर्स कोड में जो जिस ऑर्डर से आपने लिखा होता है उस ऑर्डर से आता है। हाउएवर द ऑर्डर प्रॉपर्टी कंट्रोल द ऑर्डर इन विच दे अपेयर इन द फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो वो जीरो होता है, कोई अगर आपने ऑर्डर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी आइटम को बोलता हूँ कि आपका ऑर्डर हो जाए थ्री, तो थ्री का मतलब क्या है, वो सबसे आखिर में चला जाएगा क्योंकि बाकियों का सबका ऑर्डर जीरो है। ठीक है, सबके सबका ऑर्डर जो है वो जीरो है, तो आप थ्री बोलेंगे तो वो लास्ट में चला जाएगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा, थ्री बोलने के साथ साथ फिर किसी एक को फोर भी बोलना होगा कि जी आप आगे चले जाओ। तो मैं जिसको जो ऑर्डर देता जाऊंगा उस ऑर्डर में वो सेट होता जाएगा, जिसको नहीं दूंगा वो जीरो रहेगा। जीरो का मतलब है वो सबसे शुरू में रहेगा। ठीक है, तो मैं भी इसमें ये कर सकता हूँ कि मैं तीनों एलिमेंट्स को अपने वन टू और थ्री ऑर्डर दे दूँ ताकि भाई वो इसी हिसाब से अलाइन हो जाए। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो जो है वो क्या है जी, कि मेरे पास अगेन 1000 पिक्सल का एक बॉक्स है, उसमें 100 पिक्सल के तीन आइटम हैं। अब उसमें से एक बॉक्स को मैंने डबल साइज़ का दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा मैं फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, मैं कर दूँगा फ्लेक्स ग्रो टू, तो वो दो डब्बों जितना साइज़ ले लेगा। ठीक है, ये भी अगेन करके देखने वाली चीज़ है, मैं बहुत ब्रीफली इसको लेके चल रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह फ्लेक्स ग्रो है जैसे, उसी तरह फ्लेक्स श्रिंक है। फ्लेक्स श्रिंक अपोजिट काम करता है, कोई चीज़ अगर बड़ी है, मिसाल के तौर पे अगर 100 पिक्सल के तीन डब्बे हैं, एक को मैंने आधा करके दिखाना है 50%, तो मैं बोलूँगा भाई श्रिंक हो जाओ, तो वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, नहीं उस बाकी के आइटम्स के हिसाब से होगा। हाँ, अच्छा, अलाइन सेल्फ। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो बॉक्स है ना, 1000 पिक्सल का जो बॉक्स है, उसकी जो ऊंचाई है वो 300 पिक्सल है, लेकिन मेरे डब्बे 100 पिक्सल के हैं, तो अब वो कहाँ हो जाए, वो तीनों डब्बे टॉप पे चिपक जाएँ छत के साथ, या नीचे चले जाएँ, या दरमियान में आ जाएँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्या है, ऑटो है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे रहता है। ठीक है, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसमें मेरे पास फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन और स्ट्रेच, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लेक्स एंड क्या करेगा, उसको नीचे ले आएगा, सेंटर क्या करेगा, उसको दरमियान में ले आएगा, बेस लाइन क्या करेगा, वो ऊपर टर्मिनोलॉजी में ना बेस लाइन इन्होंने बताया हुआ कि बेस लाइन क्या होता है, और एक है स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या करेगा, उसको खींच के बड़ा कर देगा, उसकी जो हाइट है ना उसको खींच के बड़ा कर देगा और टॉप से बॉटम तक कर देगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो अपने आइटम के ना विर्थ हाइट को चेंज कर सकता है, तो वो उसकी हाइट को खींच के बड़ा कर देगा, जितना भी होगा छोटा वो उसको बड़ा कर देगा वो। ठीक है, बेस लाइन, अभी यहाँ पर वापस आके हम ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि जी बेस लाइन इस किस चीज़ को कह रही है। अच्छा, वेल यहाँ पे बेस लाइन जिक्र नहीं किया इसने। बेस लाइन क्या होता है, जो बॉटम होता है ना आपके, जो फ्लेक्स एंड होता है उससे थोड़ा सा एक पिक्सल ऊपर होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने मार्जिन पैडिंग वगैरह उसमें क्या दी हुई है। अच्छा, अब हमने ये थ्योरी कंप्लीट कर ली, टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री भी देख ली हमने और कोडिंग की थ्योरी भी कंप्लीट कर ली। अब हमने ये वाली वेबसाइट जो बनानी है ना, अब इसके लिए अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने करना है इसके लिए प्लानिंग। अच्छा, हमारे टीचर थे नौशाद आरजू साहब, जिनसे मैंने पहली दफ़ा सी लैंग्वेज पढ़ी थी, प्रोग्रामिंग, वो ये कहते थे कि यार कोडिंग जो होती है ना वो पहले पेपर पे होती है। ठीक है, कोडिंग अगर आपने, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं और आप कोडिंग करने बैठ गए तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो पहले प्लानिंग उनकी कंप्लीट होती है, एग्जैक्टली वो उनको पता होता है कि करना क्या है, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है। इवन दो कि जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज है ना, उनमें जो कोडिंग वाला जो रेशो है वो शायद 20% से भी कम है। कोडिंग जो होती है वो 20% पार्ट है, सॉफ्टवेयर बनाने का जो पार्ट है, यानी सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है, उसका 20% काम कोडिंग है, बाकी 80% काम जो है ना कोडिंग के अलावा है, जिसमें प्लानिंग शामिल है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी मैटर नहीं करती। तो हम ज़रा प्लानिंग की तरफ मूव कर जाते हैं कि जी प्लानिंग कैसे करें। अच्छा, प्लानिंग के लिए मैं एक ड्राइंग ऐप ओपन कर लेता हूँ,
जिसमें हम ज़रा प्लानिंग करते हैं कि करें क्या, कैसे करें। और खुल जा भाई, अच्छा ये जो ड्राइंग ऐप है ये फिग्मा नाम है इसका, ये इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, क्या कहते हैं, जो वेब वेब एप्लीकेशंस बनती है ना उससे पहले उसका डिज़ाइन बनता है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा मेरा कोई इतना हाथ सेट नहीं है फिग्मा के ऊपर, मैं जस्ट इसको एज अ ड्राइंग ऐप इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा तो हम क्या कर लेते हैं जी, हम यहाँ पर ना एक नया वो बना लेते हैं, ये जी मैंने एक पेज बना लिया और इस पेज को मैंने जो है ना सेट कर दिया भाई 1000 पिक्सल इसकी विड्थ है और हाइट इसकी फ़िलहाल जो है अननोन है। वो ये साइड वाला बंद कैसे होगा, सही है। तो ये हमारा पेज है काइंड ऑफ। अच्छा इस पेज में अब हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो ऊपर एक अदद पट्टी है, सही है। अच्छा इसको भी हम ज़रा बना लेते हैं, इस पट्टी को। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ से मैं चीज़ लेता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे करके रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो कलर इसका फिल है वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे लाके ऐड कर सकता हूँ। कैसे भला, मेरे पास कलर पिकर की एक ऐप मौजूद है, इसका नाम है कलर ज़िला नाम है, ठीक है। पिक कलर फ्रॉम पेज, और ये मैंने ऐसे करके यहाँ से कलर को क्या कर लिया, पिक कर लिया इसके, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाता है, यहाँ ला के मैंने पेस्ट किया। व्हाट इज दिस, ठीक है ये कलर यहाँ पे आ गया। इसी तरह आपने वेबसाइट बनाते हुए सीएसएस में भी किसी पेज से कलर कॉपी करना हो तो आपने इसी तरह से करना है। अच्छा तो ये मेरे पास जो है ना एक अदद क्या आ गया, एक बारीक सी पट्टी आ गई। अब इस पट्टी के अंदर एक लिखा हुआ टेक्स्ट जो कि सेंटर में है। अच्छा इस टेक्स्ट को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स को फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसके अंदर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक अदर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। सही है, सम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके ठीक है जी, सम टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये वाला जो बॉक्स है ये एक फ्लैक्स बॉक्स होगा। अच्छा हमारा जो मेन जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम चल रहा है, उसको हमें फ्लैक्स बॉक्स बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा जो यानी ये वाला जो आइटम है जो इस वक्त पिंक ऑरेंज कलर का मैंने बनाया है स्क्रीन पर, ये पूरी विड्थ ले रहा है। तो इसका मतलब है ये कोई ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, ये कोई ब्लॉक एलिमेंट होगा। ब्लॉक एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे आप फ्लैक्स बॉक्स हो और उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे। अच्छा अगली चीज़ हमारे पास क्या है, अगली चीज़ हमारे पास है समथिंग इनविजिबल जो कि नज़र नहीं आ रही है मुझे, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे एक ये बॉक्स है, ठीक है। ये एक अदद बॉक्स है हमारे पास और इस बॉक्स में तीन चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा ये असल में पहले ही फ्लैक्स बॉक्स बना हुआ है ना, तो ज़रा वो चीज़ हमारी जो है ना वो हो जा रही है। ये एक इनविजिबल बॉक्स है बट स्टिल इसको मैं ना थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ, यार बॉर्डर कहाँ चला गया इसका, हाँ स्ट्रोक, सही है एक पिक्सल का मैंने इसको बॉर्डर दे दिया कि ताकि ये हमारे केस में तो विजिबल हो जाए। अच्छा इसके अंदर तीन आइटम है हमारे पास, एक आइटम इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी कि तीन बॉक्सेस हैं एक्चुअली। तो हम तीन बॉक्सेस ज़रा बना लेते हैं। पहला बॉक्स ये है, ठीक है, दूसरा बॉक्स ये है, डुप्लीकेट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
अच्छा डुप्लीकेट हो गया, लेकिन उसका कलर ऐसा है ना कि वो दिख नहीं रहा असल में, वो डुप्लीकेट तो वो हो गया, उसका कलर ऐसा है कि वो दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम स्ट्रोक को लगा देते हैं इसके ऊपर भी ताकि ये दिखे तो सही। ठीक है, ये तीन बॉक्सेस हैं। अच्छा ये थोड़े से अभी मिस अलाइंड है आपस में ये, लेकिन हमारे कोड में एक्चुअली हमें क्या चाहिए कि ये वाले सारे जो है ना, ये साइड वाला पेज मुझे बंद करना है, ये पता नहीं कैसे होगा, ये शायद विंडो करके यहाँ पर से होगा। वेल साइड वाला चलो बंद नहीं हो रहा, खैर। अच्छा अब यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ मौजूद है ना, इसमें ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट आप नोट करें, जगह तो ये पूरी ले रहा है साइडों तक, लेकिन ये इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो ये इनविजिबल है। ठीक है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका भी मतलब स्टिल यही है कि शुरू से लेकर आखिर तक जब ये जगह लेता है, इसका मतलब है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि डिव। और उसके अंदर मौजूद जो ये तीन आइटम है, ये तीनों क्या है, आपस में इक्वली इन्होंने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका पेरेंट जो है, यानी कि ये वाला, ये फ्लैक्स बॉक्स होगा, जब ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें आसान होगा मेरे लिए। तो ये बात भी हमें समझ आ गई। अच्छा दरमियान वाले में आप देखें, सिंपल सा एक फ़ोटो है ये, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ पर लेकिन जो है ना, ये लिंक हैं, तीन अलग अलग लिंक्स हैं ये। तो इसके लिए मुझे, अच्छा इन तीनों ने भी उस डब्बे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे तीन बॉक्सेस और बनाने पड़ेंगे मुझे। बट वो तीन बॉक्सेस क्या होंगे, छोटे होंगे। सही है, ये तीन बॉक्सेस छोटे हैं। इसका मतलब क्या है, ये तीनों जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसका पेरेंट भी क्या है, फ्लैक्स बॉक्स है। अच्छा ये जो फ्लैक्स बॉक्स बनेगा ना, जब ये वाला, इसको सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड का एक्सेस होगा, यानी इन तीनों का, इन छोटे बच्चों का एक्सेस नहीं होगा इसको। इसका एक्सेस करने के लिए मुझे इसको भी फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इससे हमें पता क्या चला कि कोई भी फ्लैक्स आइटम, फ्लैक्स कंटेनर नहीं, फ्लैक्स के कंटेनर के अंदर मौजूद आइटम खुद भी फ्लैक्स बॉक्स हो सकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि यार आपके दादा हैं तो उनके बच्चे थे, लेकिन उनके बच्चे खुद भी फादर बन गए बाद में, और उनके बच्चों पे उनका कंट्रोल है। तो इसको आप इस तरह समझें कि हर बाप को अपने डायरेक्ट चाइल्ड पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन चाइल्ड के चाइल्ड पे शायद इतना नहीं होता। तो हर फ्लैक्स का जो आइटम है वो अल्टीमेटली ख़ुद भी एक कंटेनर बन सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई वो फ्लैक्स आइटम है तो फ्लैक्स आइटम ही रहे, फ्लैक्स आइटम और फ्लैक्स बॉक्स सेम टाइम पे होना पॉसिबल है। अच्छा ये जो तीन है मेरे पास, ये तीन आइटम, इसको अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन तीनों को क्या बनाना है। आई होप कि इसको हमें जो है ना एंकर टैग बनाना पड़ेगा। आई होप कि इन तीनों को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एंकर टैग बनाना पड़ेगा, या इमेज बटन भी मे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि जी एक इमेज है, उस पर क्लिक करने से किसी लिंक पे जाता है वो। तो अगर हम एंकर टैग से ये काम कर पाए तो उससे कर देंगे। वेल ये जो तीन डिव है ना, ये इधर फिक्स हो गया ना, तो इसके अंदर हम जो मर्जी करते रहे वो इट डजेंट मैटर, ये तीन जगह अपने पे आ गया तो सेट हो जाएगा। अच्छा भाई किधर कर दिया मैंने इसको, हाँ। अच्छा भाई अब क्या ख्याल है कि इतने को बनाना शुरू कर दें या थोड़ा नीचे तक की, अच्छा चलो नेविगेशन बार और इस यहाँ तक की जो प्लानिंग कर लें उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। अच्छा उसके बाद आप नोट करें कि जो नेविगेशन बार है मेरा, ये भी जाहिर है किसी ना किसी कंटेनर के अंदर जो कि इनविजिबल है। अब आप इसके कंटेनर को अगर देखें ना, तो ये इसका कंटेनर भी शुरू से आखिर तक की जगह ले रहा है। ठीक है, अच्छा ये शुरू से आखिर तक की नहीं ले रहा है, ये असल में इसने बॉडी का साइज़ कम किया हुआ है। इसने ना बॉडी का साइज़ क्या किया हुआ है, 1000 पिक्सल पे फिक्स किया हुआ है शायद, तो इस वजह से ये यहाँ तक आ रहा है। अदरवाइज़ पूरे पे हम इसको समझते हैं कि भाई पूरे पे ही ले रहा है। ठीक है, अगर हम इसको वापस जाएँ ना, तो यहाँ पे एक अदद कंटेनर है कोई जिसका इन्होंने साइज़ कम किया हुआ है। अच्छा ये पूरा एक कंटेनर है और इसके अंदर उसको डाला हुआ है, तो जब भी वो साइज़ कम ले रहा है, लेकिन हम उस कंटेनर को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई पूरा पेज हमारा है। अच्छा ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और इसके अंदर जो ये आइटम्स हैं, ये जो दरमियान में आए हुए हैं, ये क्या हैं सारे, ये फ्लैक्स आइटम हैं सारे, जब ये दरमियान में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको भी ज़रा यहाँ अपने प्लान के अंदर शामिल कर लेते हैं।
ठीक है, इसके एग्जैक्ट नीचे हमारे पास जो है वो नेविगेशन बार है जो कि इनविजिबल है, ठीक है, हमारे लिए वो विजिबल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं जो हमारे लिए विजिबल हैं, इसका आइटम अब बना लेते हैं हम छोटा छोटा। सही है, ये इसके आइटम्स हैं, इसको टॉप और बॉटम से मैं थोड़ा थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये हमें फील हो कि इसके अंदर है, हालांकि वो साइज़ उनका एक ही है, यानी इसके पेरेंट और इसके चाइल्ड की जो हाइट है वो सेम है। ठीक है, तो ये हमारा जो लेआउट है ना वो काइंड ऑफ क्या हो गया है, हमारे पास रेडी हो गया है। ये हमारा लेआउट है, ये हमारा प्लान है। आपको जब तक ये प्लान एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि क्या करना है, आप डायरेक्ट कोडिंग करने बैठेंगे आप फंस जाएंगे एकदम। अच्छा, इस प्लान का जिक्र मैंने उस वीडियो में भी किया है, तो जब भी मैं फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाता हूँ तो ये मैं प्लान का जिक्र लाजमी करता हूँ कि जी ये होगा। अच्छा, उसके बाद आप नोट करें, ये एक इमेज है मेरे पास और उसके ऊपर टेक्स्ट आया हुआ है। ये सब लोगों का सवाल था कि जी ये क्या चक्कर है, ये इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे आ गया, तो देख लेते हैं कि इन्होंने ये काम कैसे किया। करने के इसको काम बहुत सारे तरीके हैं, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये एक अदद जो है क्या है, ये एक अदद इमेज है। सही है, ये पूरा इमेज है एक अदद। अच्छा, और इस इमेज के अंदर क्या है, अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जाके क्लिक करूँ तो ये क्या है, ये एक एच वन है जो कि उस इमेज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उस इमेज से बिल्कुल बाहर है वो। ठीक है, पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है और ये टेक्स्ट यहाँ पर है और ये एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है। अच्छा, पहले तो इस चीज़ को समझें कि ये ना इन्होंने फिगर करके टैग इस्तेमाल किया है, और मैं भी स्टिल समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्होंने किस तरह किया है। अच्छा, इतना पार्ट तो इसका फ्लैग बॉक्स है, ये जो इसका इसको ज़रा मैं ऐसा करूँ कि जो पूरी स्क्रीन पे आए। हाँ, ये इतना पार्ट जो है ना इसका, ये तो पूरा फ्लैक्स बॉक्स है इन्होंने डिज़ाइन किया है, लेकिन इस पूरे पार्ट को ये एक इमेज के ऊपर कैसे लेकर आए हैं वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे लेकर आए हैं। क्योंकि वो पिक्चर जो ऊपर वाले डिव में है, ये साथ उसके बाद वाले डिव में है, तो उसके पोजीशन के साथ कुछ इन्होंने छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से ये उसके ऊपर आया हुआ है। हाँ नहीं, इन दोनों के पेरेंट को ज़रा मैं देख लूँ कि इन दोनों के पेरेंट की क्या रिपोर्ट है। अच्छा, ये इन दोनों का पेरेंट है। ये इन दोनों का पेरेंट है। वेल, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्या गेम खेला है, लेकिन इसको करने के और बहुत सारे तरीके हैं। नंबर एक तरीका इसका ये हो सकता है कि जी आप ना एक डिव बनाएंगे पूरा, और उस डिव के अंदर ना आप इस इमेज को एज अ बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे, ठीक है, तो वो इमेज नज़र आ जाएगी और उस डिव के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी उसकी ऊपर नीचे करेंगे तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, ये वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो वाला तरीका करते हैं जो मैंने पहले किया हुआ। ठीक है, ये इन्होंने जो किया उसको हम छोड़ देते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या किया, वो मेरे समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक अदद आ गया, पेज हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया अपना, और अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पूरा एक अदद डिव है, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई होगी। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ साइड पे ना एक डिव बना दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ साइड पे मैंने एक इसके डिव बना दी। अच्छा, अब ये डिव जो है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है उसका, हैं दोनों डिव। अब एक डिव के अंदर इस तरफ जगह खाली है और मुझे इसके एक ही चाइल्ड को और राइट मोस्ट पे लेके जाना है, तो ये मैं कैसे लेके जाऊँगा? दोस्त ज़रा मुझे पानी पिला दीजिएगा। अब ये मैं कैसे लेके जाऊँगा?
क्या ये फ्लैक्स बॉक्स से हो जाएगा काम? बिल्कुल हो जाएगा, फ्लैक्स बॉक्स से क्यों नहीं होगा, ये बिल्कुल काम हो जाएगा। ठीक है, मैं ये करूँगा कि पेरेंट को बोलूँगा कि आप फ्लैक्स बॉक्स हो, और पेरेंट को ही बोलूँगा कि भाई जस्टिफाई कॉन्टेंट फ्लैक्स एंड। सही है, फ्लैक्स एंड भी कह सकते हैं, राइट भी कह सकते हैं। तो शुक्रिया, बस मैं लिख दूँगा। हाँ भाई, अभी सब कुछ आसान आसान लग रहा है। अच्छा, इधर आसान हो गया ना आगे। अच्छा हाँ, अच्छा देखें, अब जब ऐसे प्लान होगा ना, एग्जैक्टली पता होगा कि यार क्या करना है, तो कोडिंग में इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। तो ये अभी तक आपको अब लग रहा होगा कि ये तो आसान था यार बहुत, ठीक है, तो आसान ही है, इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है। लेकिन वो ज़ाहिर है करेंगे तो आसान होगा, एकदम तो आसान होगा नहीं। अच्छा, तो अब ये एक डिव आ गया, इसके बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी, इधर एक डिव आ जाएगा हमारा। अच्छा, क्या ख्याल है, अब इतने को ही रखते हैं, इतने को ही कोडिंग कर लेते हैं, ये भी लगा ले नीचे वाला, ये वाला आइटम। अच्छा, इसमें भी सेम वही है जो नेविगेशन बार में जो काम हो रहा है ना, वही इसमें भी हो रहा है। नेविगेशन बार में जो काम हो रहा है वही सेम इसमें भी हो रहा है कि जी एक इसमें पेरेंट है जो कि इनविजिबल है, हमें नज़र नहीं आ रहा, देख लेते हैं खोल के इसको। एक इसका पेरेंट है जो कि इनविजिबल है यहाँ पे, और इस पेरेंट के अंदर ना ये तीनों जो है वो जस्टिफाई कॉन्टेंट होके पड़े हैं। ठीक है, इसको अगर मैं खोलूँगा इस सेक्शन को, तो ये फ़ोटो के ऊपर है, ये असल में क्या है, चलो ये बना के बता देता हूँ ये क्या है, ये मैं बना के बता देता हूँ क्या है। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना एक ये इनविजिबल कंटेनर, ये वाला आ गया इनविजिबल कंटेनर। अच्छा, इस इनविजिबल कंटेनर के अंदर क्या हुआ है, मेरे पास ऊपर यहाँ टेक्स्ट आ रहा है और उसके नीचे तीन डब्बे अलग से आ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मे भी अगर मैं आऊँगा तो मैं ये काम किस तरह करूँगा, फ्लैक्स बॉक्स से मैं इसके नीचे बनाऊँगा एक अदद और डब्बा ऐसा, जो कि ये भी इनविजिबल होगा। ठीक है, ये भी इनविजिबल है, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा टेक्स्ट। अच्छा, फिर उसके नीचे एक डब्बा मैं ऐसा और बना दूंगा जिसके अंदर मैं लगा दूंगा तीन इमेजेस। सही है, तीन इमेजेस लगा दूंगा जो कि आपस में क्या होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इमेजेस की। ठीक है, ये भी इनविजिबल बॉक्स है, और ये भी इनविजिबल बॉक्स है, और ये भी इनविजिबल बॉक्स है, ये तीनों बॉक्स इनविजिबल हैं, सिर्फ इमेजेस विजिबल है, और यहाँ पे जो जो टेक्स्ट होगा ना वो विजिबल है। टेक्स्ट भी असल में एक बॉक्स ही होता है, तो टेक्स्ट को भी मैं एज अ बॉक्स जो है यहाँ पे शो करा देता हूँ कि जी ये टेक्स्ट भी जो है ना एज अ बॉक्स यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि जो इनविजिबल बॉक्सेज है ना, सिर्फ उन्हीं को ब्लैक रखता हूँ, बाकियों को ग्रीन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि वो हमें पता तो चले कि यार कौन सा वाला विजिबल है। ये सारे यार, ये कैसे सेलेक्ट होगा, एक अच्छा कैसे होगा भाई, स्ट्रोक सही है, जो इनविजिबल है ना मैं उनको सिर्फ वो रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं कर देता हूँ रेड। सही है, जो रेड वाला है वो विजिबल है। अच्छा, इस केस में जो है वो इधर वाला विजिबल है ना। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर भी तो बहुत कुछ था, वो तो हमने छोड़ ही दिया, इस बॉक्स के अंदर भी तो है। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर जो है बाई द वे वो बहुत इजी है, वो टॉप टू बॉटम का फ्लो है, वो तो मेरा ख्याल है सेंटर ही किया हुआ है, और तो कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों बॉक्स में से कौन सा विजिबल है, तीनों बॉक्स में से कोई सा भी विजिबल नहीं है, इन तीनों बॉक्सेस के अंदर मौजूद आइटम विजिबल है, यानी कि ये विजिबल है। अच्छा, अभी जो हमने बॉक्सेस बनाया है ना, एक्चुअल कोडिंग में इससे बॉक्सेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने अभी देखो, इस ये बॉक्स तो इनविजिबल है ना, इसके अंदर जो मौजूद इमेज है उसको हमने यहाँ डेमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, इसके अंदर भी मौजूद एक अदद इमेज है जिसको मैंने यहाँ डेमॉन्स्ट्रेट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा बटन है, इसको मैंने डेमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, लेकिन वो अभी करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अब कोडिंग में, अब कोडिंग आप लोग बताएंगे। सही है, इतना बताने के बाद जो है ना अब इस काबिल हो गए हैं आपके, कोडिंग में क्या लिखना है वो आप बताएंगे। अच्छा जी, सेक्शन ए,
सेक्शन बी है ना बल्कि ये तुम्हारा। अच्छा सबसे पहले जो मेरी बॉडी है, तो बॉडी को तो मैंने डेमोंस्ट्रेट किया ही नहीं है, बॉडी जो है वो पेरेंट है पूरा का पूरा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो ये वाली चीज़ बनाई है, ये डिव मैं बना देता हूँ। अच्छा इस डिव को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक अदर डिव, इस पर मैं एक क्लास लगा देता हूँ। इस क्लास का नाम क्या रख देता हूँ मैं, हेडर। सही है, हेडर डैश और क्या टिकर। सही है, हेडर का टिकर है ये हेडर नहीं है। हेडर जो है ना ये वाला पार्ट हेडर है, ये हेडर वाला पार्ट है, ठीक है। वो हेडर के ऊपर टिकर चल रहा है, वो टिकर हम कभी इनविजिबल भी कर देते हैं। अच्छा यहाँ से ये पूरा टेक्स्ट मैंने किया कॉपी, और पूरा टेक्स्ट कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे लाके लिख दिया। अच्छा ये जो कैपिटल करके नज़र आ रहा है ना, ये कैपिटल लिखा हुआ कैपिटल नहीं है, ये CSS के ज़रिए कैपिटल हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको स्मॉल में भी लिखूंगा यहाँ पे, तो मुझे डिस्प्ले पे कैपिटल नज़र आना चाहिए। क्यों, ये टेक्स्ट आता है डेटाबेस से, ये टेक्स्ट तो डेटाबेस से आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो वेबसाइट के ऊपर हर दफ़ा थोड़ी कोड चेंज करते हैं, वो तो डेटाबेस में टिकर की एक जगह बनी होती है, टिकर पे ये बात चलानी है, वहाँ जाके लिखते हैं तो टिकर पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। अब वहाँ पे लिखते हुए किसी ने कैपिटल स्मॉल कर दिया, तो यहाँ पे मैं CSS की एक यहाँ पे वो बना लेता हूँ, और इसमें क्या लगा देता हूँ, डॉट हेडर डैश टिकर, और क्या था भाई कैपिटल करने का क्या था। CSS में हमने ये तरीका देख चुके हैं हम, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक ही बंदा पढ़ रहा है क्लास में, बाकी सारे जो है ना वो कैपिटलाइज था, नहीं अपर केस था, अपर केस था, ठीक है। कैपिटलाइज क्या होता है आप में से कोई बताए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज का क्या मतलब है। हर हरूफ कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे ओपन भी कर लिया, साथ साथ जो हम जो वेबसाइट बनाते जा रहे हैं उसको ओपन भी कर लिया। अच्छा अभी राइट नाउ क्या है, क्योंकि सिर्फ एक डिव है और उसके अंदर कैपिटलाइज तो मेरा काम कर गया, रिसीव यहाँ पे देखें कैपिटल में लिखा हुआ रहा है। इसको बैकग्राउंड कलर देना है मैंने, और इसको दरमियान में करना है। बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आके बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं यही वाला कलर ला के लगा देता हूँ जो मैंने यहाँ लगाया था, ठीक है। कलर कॉपी करना मैं बता चुका हूँ आपको। ओए ये क्या, ठीक है ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया, रिफ़्रेश किया बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा दूसरा क्या करना था मुझे, ये अंदर टेक्स्ट का थोड़ा उसका स्टाइल चेंज है, वो तो यू नो बेटर कि वो टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज किया जा सकता है। हाइट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे वाले से, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ज़ाहिर है थोड़ी सी पैडिंग इसको देनी पड़ेगी, ताकि वो अपनी दीवारों से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, ठीक है। पैडिंग अंदर की साइड होती है, मार्जिन बाहर की साइड होता है, तो मुझे पैडिंग इसमें देनी है, ठीक है। अंदर की साइड इसमें स्पेस देना है मुझे, जहाँ पे मुझे अंदर की साइड ना ये दीवारों से चिपका हुआ है, तो इसके लिए मुझे पैडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे आके क्या दे देता हूँ, इसको पैडिंग दे देता हूँ कितना, 0.3 REM। सही है, 0.3 REM का क्या मतलब हुआ, पढ़ चुके हैं हम ये भी। AKM होता है बॉडी का, सही है, 1 mm का साइज़ होता है। तो मैंने कहा बॉडी के साइज़ जो भी है उसका 0.3 हो जाए, तो 0.3 का मतलब क्या है कि ऊपर 0.3 नीचे 0.3, तो ऑलमोस्ट 0.6 के करीब मैंने कर दिया। अच्छा इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे इतना ही चाहिए, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इतना ही है। अच्छा अगला काम मुझे क्या करना है, अब इसको दरमियान में लाना है टेक्स्ट को। टेक्स्ट को दरमियान में लाने के लिए अलाइन सेंटर नहीं करना है, सही है, क्योंकि अब हमें फ्लैक्स बॉक्स वाला तरीका अपनाना है। अच्छा फ्लैक्स बॉक्स में अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपका ये जस्टिफाई कंटेंट जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है फ्लैक्स स्टार्ट। अच्छा लेकिन इसके अंदर सेंटर भी मौजूद है मेरे पास, ठीक है। मैं कहूँगा जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, और ये मैं बोलूँगा पेरेंट को, मैं बोलूँगा पेरेंट को भाई अपने बच्चों को संभालें आप,
ठीक है, तो पेरेंट पे आगे मैं बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर, तो उससे भी सेंटर हो जाता है, लेकिन ये लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो कंटेनर जो है वो क्या हो, फ्लैक्स बॉक्स हो। जब तक वो कंटेनर फ्लैक्स बॉक्स नहीं होगा ये उस पर काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं लगा के, फ्लैक्स क्या था, जस्टिफाई कॉन्टेंट था ना, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, ठीक है, या तो ये काम नहीं करेगा या तो उसको खुद ही बना देगा, ये नहीं किया काम इसमें, ठीक है, लग चुका है लेकिन काम नहीं कर रहा। ये लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा। अच्छा एक देखें, डिस्प्ले के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, जब मैं डिस्प्ले कहता हूँ तो मेरे पास देखें ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ये सब आता है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बना रहा हूँ फ्लैक्स। तो हमने क्या किया, पढ़ा था पहले, पढ़ा था इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ये तीन हमने पढ़े थे ना, अभी हमने डायरेक्शन पढ़ लिया फ्लैक्स। अब जैसे ही ये फ्लैक्स बन जाएगा तो क्या होगा, जस्टिफाई कॉन्टेंट हमारा, मैं इसको सेंटर कर पाऊँगा। मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप नोट करें कि हमारे केस में जो है ये चिपका हुआ है बॉडी से। यार भाइयों ये वीडियो आपको मिल जाएगी लेकिन अभी नहीं, अभी क्लास पे तवज्जो देंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि बजाय इसके कि आप उसको वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ये जो मैं बातें सारी कर रहा हूँ ना, बाय द वे ये मैं तीन चार अलग अलग क्लासेस में यही सेम चीज़ पढ़ा चुका हूँ, तो ये ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें ना, यही एग्जैक्टली यही सेम बात है। आप अगर वो जो वीडियो मैंने कल भेजी थी आपको ग्रुप में, वो आप देखेंगे, मैंने एग्जैक्टली डिट्टो यही बात की हुई है उसमें, तो ये सब ऑन रिकॉर्ड है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको मिल भी जाएगी वैसे ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है, और नई भी मिले तो पुरानी जो तीन चार वीडियो दो दो घंटे की वो आप देखेंगे, उसमें एग्जैक्टली सेम बात है और इससे शायद और बेहतर अंदाज में मे भी मैंने की हो। तो अच्छा वेल, मैं ये क्या करता कि ये बॉडी से चिपका हुआ है, मेरे केस में बॉडी से वो अलग हो जाता है। अब ये क्या चक्कर है भाई, ये चक्कर ये है कि मेरा इसको इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि भाई बॉडी के अंदर ना, बॉडी के अंदर क्या हुआ है, जब मैं हाथ रखता हूँ बॉडी पे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्जिन आया हुआ है, ठीक है। तो मैं बॉडी को अगर बोल दूँगा मार्जिन ज़ीरो तो ये सेट हो जाएगा मसला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके बोलूँगा कि बॉडी, ठीक है, बॉडी पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, मार्जिन ज़ीरो, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो ये मार्जिन ज़ीरो हो गया। उस इंस्पेक्शन तो आती है ना, क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, मैंने देखा बॉडी पे मार्जिन तो हटा दिया मैंने, दैट्स इट, बॉडी पे कुछ ना कुछ मार्जिन इन्होंने लगाया, वो होता है पहले से, वो हट गया। अच्छा अभी हमने कौन सा डब्बा बना लिया है, पहला वाला डब्बा, अब हमें बनाना है इसके नीचे वाला दूसरा डब्बा। ये डब्बा भी क्या होगा, एक अदद डिव होगा, ये आ जाते हैं जी, हम एक अदद डिव बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ हेडर, और क्या इसके नीचे भी कुछ है, चलें इसका नाम हेडर रख देते हैं, इसकी क्लास का ना, क्लास में से मैटर नहीं करता, कुछ भी रख सकते हैं क्लास का नाम हम। अच्छा ये तो है इनविजिबल, तो इसको कोई कलर वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जो तीन आइटम है, एक दो और तीन, अभी हम तीन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डिफ देता हूँ और इसको क्लास देता हूँ मैं जी, क्लास आइटम वन, आइटम टू और आइटम थ्री, ठीक है, आइटम वन, आइटम टू और आइटम थ्री, तीन दे दिए मैंने। अच्छा ये तीनों भी इनविजिबल हैं, लेकिन इसको फौरी तौर पे थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि ना कुछ बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ ताकि फौरी तौर पे ये नज़र तो आए। मैंने कहा डॉट हेडर, इसके ऊपर मैंने कह दिया कि भाई बॉर्डर आ जाए आपका वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और मैंने कहा कि हेडर के अंदर, हेडर के अंदर मौजूद जितने भी डिव हैं उसके ऊपर भी क्या आ जाए, बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड ग्रीन आ जाए। सही है, रिफ्रेश किया मैंने तो ये आया, रिफ्रेश किया मैंने तो ये आया। अब वो चकोर डब्बे तो बने ही नहीं जैसे मैं चकोर डब्बे बनाना चाहता था, क्यों नहीं हुआ ऐसा बताओ। तो भाई चकोर डब्बे मैंने तो बनाया ना, ये वाला बना दिया और एक दो तीन, ये तीनों बना दिए, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, चकोर डब्बे क्यों नहीं बने। वो विर्थ और हाइट है ही नहीं उसकी, जब तक किसी डिव को मैं विर्थ हाइट नहीं देता हूँ तो वो बनता ही नहीं है कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी ना विर्थ 100 पिक्सल, अभी रैंडमली मैं वैसे ही दे रहा हूँ 100 पिक्सल, इसको हम चेंज कर लेंगे, और हाइट इसकी मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने तो इस तरह से अब डब्बा बन के दिखाया, ये वाला ब्लैक बॉर्डर है, ये वाला ग्रीन बॉर्डर है। अच्छा मेरे केस में तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्या करें अब इसका हम,
कौन से पेरेंट को क्या करें, हम इस पेरेंट को क्या करें या इसको क्या करें या इसको क्या करें। अच्छा अगेन हमने देखा कि ये जो पेरेंट है ना हमारा, ये पेरेंट है ना, और इसके ये तीन चाइल्ड हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम इस पेरेंट को बोलेंगे कि आप फ्लेक्स बॉक्स हो, मैं बोलूँगा हेडर आप फ्लेक्स बॉक्स हो, ठीक है, ये हेडर है ना मेरा, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप फ्लेक्स बॉक्स हो। जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, मेरा ये मसला सेट हो गया, ये वाला एटलीस्ट सेट हो गया कि ऐसे हो गया। क्यों हुआ ऐसा, इसको ये देखने के लिए ना हमें यहाँ वापस जाना पड़ेगा। आप देखें फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना वो टॉप टू बॉटम थी ना पहले, तो फ्लेक्स कंटेनर की बाई डिफ़ॉल्ट रो होती है, यानी कि ये वाली होती है, पहले टॉप टू बॉटम थी, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट ये वाली होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। इसको भी मैं चाहूँ तो टॉप टू बॉटम कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, हाँ मैं इसको बोलूँगा कि भाई बच्चा आप क्या करो, फ्लेक्स डायरेक्शन करो कॉलम, यानी टॉप टू बॉटम करो आप, तो ये दोबारा टॉप टू बॉटम हो जाएगा। फ्लेक्स में आने के बाद तो सब कंट्रोल है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा, अच्छा मैं इसको रो लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन रो लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही रो लिखा हुआ होता है, अगर कुछ ना लगाओ तो रो पहले से होता है, तो इसको मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये क्या हो गया, ये लेफ़्ट टू राइट हो गया। अच्छा अब मुझे इसको दरमियान में लाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, हाँ हाँ कोने में तो पड़ा हुआ है। अब देखें, हाँ सवाल अच्छा किया आपने कि चलें डायरेक्शन तो इसने कर दी है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन कोने में क्यों है वो, तो हम यहाँ पे आते हैं और जस्टिफाई कंटेंट को हम आके देखते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट में डिफ़ॉल्ट क्या होता है। जस्टिफाई कंटेंट में डिफ़ॉल्ट होता है फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी फ्लेक्स स्टार्ट जो है ना ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, आइटम्स आर पैक्ड टूवर्ड स्टार्ट ऑफ द फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना उस तरफ से होगा ये, यानी कि इधर से होगा। अच्छा आप दरमियान में लाने के लिए मैं क्या करूँ, सेंटर कर दूंगा तो दरमियान में आ जाएंगे वो, इतना सिंपल है। मैं इसके पेरेंट को बोलूँगा, मेरा जो ये पेरेंट है जिसको मैंने बोला है कि बच्चा फ्लेक्स बॉक्स हो, मैं उसको बोलूँगा कि जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया। हाँ एक दोस्त कह रहे हैं कि यार सेंटर से बेहतर तो ये होता है कि मैं स्पेस इवन इसको करता, है ना। अच्छा स्पेस इवन पे ये होगा कि वो उसको पूरे पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम एक्चुअल कोडिंग करेंगे ना तो बॉक्सेस हमारे से थोड़े से ज़्यादा होंगे, तो हमें एक्चुअली एक बॉक्स और रिक्वायर्ड है, हमें एक्चुअली क्या है, एक और बॉक्स रिक्वायर्ड है। अच्छा इसको मैं करूँगा स्पेस अराउंड, असल में इसको मैं क्या करूँगा, स्पेस बिटवीन भी नहीं करूँगा। अच्छा इसको आप गौर से समझें ज़रा, ये क्या चक्कर है, ये तीनों तो सीधे सीधे हैं ना, एंड स्टार्ट और सेंटर, इनको आप ज़रा गौर से अगर समझेंगे ना तो स्पेस बिटवीन में आप देखें इसके लेफ्ट मोस्ट पे और राइट मोस्ट पे कोई जो है ना स्पेस नहीं है, चपक जाएगा अपने बॉर्डर से, दीवारों से जाके चपक जाएगा ये, और दरमियान में जो बचा हुआ स्पेस होगा ना वो इवनली इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अभी तीन आइटम है, 300 आइटम होंगे तो वो भी जो बचा हुआ स्पेस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, स्पेस नहीं होगा आपस में बिल्कुल चिपक जाएगा अगर स्पेस नहीं होगा तो। स्पेस अराउंड में ऑन अदर एंड क्या है कि जो बचा हुआ स्पेस है वो इन दोनों ने आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, बल्कि कुछ स्पेस बचा के ना जितना यहाँ रखा है ना उसका 50% यहाँ और 50% यहाँ भी रखा है, ठीक है, तो इसको कह रहे हैं स्पेस अराउंड। अच्छा स्पेस इवनली क्या है, यहाँ पे भी उतना ही स्पेस दिया जितना यहाँ दिया है, और जितना यहाँ दिया है और उतना यहाँ दिया है, ये बिल्कुल इवनली है। यहाँ पे क्या है, 50% इधर है, 50% इधर है, 100% दरमियान में, ठीक है, तो मुझे स्पेस अराउंड असल में चाहिए जो इस जगह के लिए। लेकिन स्पेस अराउंड जब मैं करता हूँ तो आप नोट कीजिएगा कि क्या होता है, अभी अगर मैं इसको आगे बोलता हूँ स्पेस अराउंड, तो होता ये है कि ये इस तरह फैल जाता है, मुझे इस तरह नहीं फैलाना है, मुझे इसको इस तरह नहीं फैलाना है। मैं अपने डिज़ाइन में वापस आके देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह फैलाना है इसको जितना ये इस तरह फैला हुआ है अभी, ठीक है। अच्छा दीवारों से ये देखें, मेन बॉडी की दीवार से ये ज़रा दूर है, मेन बॉडी की दीवार से तो ये ज़रा दूर है। अब या तो मैं ये करूँ कि अपने डिज़ाइन को अल्टर करके उसको मैं यहाँ तक कर दूँ, यानी फुल पेज पूरा, ठीक है, क्या ख्याल है क्या किया जाए, डिज़ाइन को अल्टर कर दें या जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से कोड को हम एडजस्ट करें, एक बॉक्स फिर और बनेगा हमारा। हाँ अच्छा मैं उनका भी जवाब देता हूँ, दोस्त का, जो दोस्त ने कहा है
दोस्त ने कहा कि अगर इसको हम जस्टिफाई कंटेंट को अगर हम सेंटर कर देते हैं जैसा कि हमने पहले किया था, ठीक है, इसको वापस सेंटर कर दें हम, तो ये सेंटर में आ गया। अब इनको आपस में मार्जिन दे दें तो कैसा रहेगा, ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं कैसा रहेगा। इन डिव को मैंने कहा कि भाई आप ले लो मार्जिन, ले लो आप मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल ही आप मार्जिन भी ले लो, सही है। मार्जिन के साथ बल्कि मैं ये भी लगा देता हूँ कि मार्जिन राइट, सही है, मार्जिन राइट। तो इन्होंने ना तीनों ने आपस में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब ये स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा ना, देखिए सम डे स्क्रीन का साइज़ जब छोटा होगा ना तो ये इस तरह से अपने आप को श्रिंक, क्यों मार्जिन हिल नहीं रहा अपनी जगह से, क्योंकि मार्जिन मैंने दे दिया 100 पिक्सल। अब बॉक्स का साइज़ तो चेंज हो रहा है लेकिन मार्जिन क्यों हिले, मार्जिन को तो मैंने बोला है भाई 100 रहना है आपने, तो वो नहीं हिल रहा, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर मैं इसको हटा देता हूँ इस जगह से और यहाँ पर आके मैं करता हूँ इसको स्पेस बिटवीन करता हूँ या स्पेस अराउंड करता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें एक हमें खातिर ख्वाह फ़र्क देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है, पहले स्पेस को ज़ीरो करता है, चपक जाता है, फिर उसके बाद कंटेंट को छोटा करना शुरू करता है, स्पेस को पहले ज़ीरो करता है। मार्जिन इसका मतलब देने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में मार्जिन नहीं दे सकता मैं, ठीक है, मार्जिन देने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं ये करूँगा, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मुझे एक बॉक्स यहाँ पे और चाहिए होगा, एक बॉक्स जो और मुझे चाहिए वो मुझे किस तरह का चाहिए देख लेते हैं हम ज़रा। ठीक है, कुछ इस तरह का एक बॉक्स मुझे और चाहिए, क्या हुआ ये, अच्छा असल में इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है, वो जब भी अपने पीछे वाले बॉक्स को ना छुपा दे रहा है। हमें इस तरह का एक बॉक्स और चाहिए होगा, ठीक है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर दूं ताकि ये फील हो कि भाई ये इसके अंदर मौजूद बॉक्स है। नोट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक बॉक्स और बनाया है, ये वाला जो बॉक्स है ये क्या होगा, एज टू एज होगा, और इस बॉक्स के अंदर एक दूसरा बॉक्स होगा जो क्या होगा, साइडों से थोड़ी थोड़ी जगह उसने छोड़ी हुई होगी और वो सेंटर में होगा, साइडों से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के वो सेंटर में हुआ होगा। तो इस तरह करके अब मुझे इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी सेंटर में मैं किस तरह से लेकर आऊँगा, फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए इसको मैं सेंटर में लाऊँगा, क्योंकि इसको भी मैं अगर बोला ना कि भाई आप साइड से पैडिंग ले लो या इस तरह कुछ कोई चीज़ की मैंने, तो ये भी गड़बड़ करेगा, ठीक है, ये भी क्या करेगा, फिर गड़बड़ करेगा। आ जाते हैं और क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक और हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, हेडर इसको मैं बोल देता हूँ एज, ये हेडर जो है एज टू एज हेडर है मेरा, और इसके अंदर एक हेडर और बनेगा, क्योंकि मेरा डिज़ाइन ऐसा है जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है, एक है हेडर एज टू एज जो कि क्या है, इनविजिबल है, ये वाला जो हेडर है ये इनविजिबल है मेरे केस में, ठीक है। अब मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है इसके साथ। और दूसरी चीज़ अब मैं ये बोलता हूँ इसको कि भाई ये वाला जो हेडर है ना, सबसे पहले तो ये हो जाए दरमियान में हो जाए, इसको दरमियान में करने के लिए मुझे इस एज को भी क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने इसको बना दिया, अब डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इसके अंदर के जो आइटम है उसको मैं कहता हूँ कि भाई आप सेंटर में हो जाओ, ठीक है, सेंटर में हो गया। अब आप नोट करें कि ये इसमें ब्लैक वाला डिव और ग्रीन वाला डिव ये दोनों सेंटर में आ गए, और यहाँ पे एक इनविजिबल चीज़ आ गई है जिसको मैं अभी शो कर देता हूँ बॉर्डर लगा के। बॉर्डर मैंने कहा कि जी 1 पिक्सल सॉलिड
मे बी ब्लू। अब मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, अच्छा अब मेरा जो पेरेंट है ना जो ब्लू वाला, उसको तो मुझे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इस वाले को मुझे ये करने की ज़रूरत है कि एक सर्टेन इसको ना हाइट तक मुझे लेकर आना है, यानी यहाँ तक लेकर आना है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ तक नहीं लाऊँगा तो बीच वाला तो वो होगा ही नहीं गड़बड़। मतलब बीच वाले को मैं कैसे बोलूँगा कि आप स्पेस डिवाइड कर लो, स्पेस तो जब डिवाइड करेगा ना, जब स्पेस होगा उसके अंदर, स्पेस तो है ही नहीं उसमें। तो मैं उसको बोलूँगा कि जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो विड्थ है आपकी, वो मैं इसकी डिफ़ाइन करूँगा, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा, उससे फिर ये यहाँ तक आ जाएगा, इस जगह तक। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी जो मेरा जो अब इस जगह पे ना एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास देखें यहाँ पे जब मैं हाथ रखता हूँ ना, तो यहाँ बीच में इस जगह पे लिखा हुआ है लैपटॉप लार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखें सारे साइजेस दिए हुए हैं, ये है मोबाइल स्मॉल, ये है मोबाइल मीडियम, ये है मोबाइल लार्ज, ठीक है। उसके बाद ये है टैबलेट, ये है लैपटॉप, और ये है लैपटॉप लार्ज, सही है। तो मुझे इसको लैपटॉप का जो साइज़ है ना, उसकी जो विड्थ है वो 1024 पिक्सल है, ठीक है, 1024 पिक्सल है लैपटॉप की जो हाइट है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है गूगल को? गूगल एवरेज निकालता है इस वक्त, जो भी डिवाइसेस मौजूद हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसका एवरेज होता है। ये डिज़ाइनर्स ये हर साल या हर 2-3 साल पर एक रिविजन निकलता है इसका, कि जी ये है इस वक्त की हाइट्स और ये विड्थ, तो वो यहाँ पर ला के ये लगा देता है। तो जो लैपटॉप की मेरी हाइट है वो 1024 पिक्सल है, यही वजह है कि जो हम वेबसाइट की जो विड्थ रखते हैं वो 960 पिक्सल रखते हैं या 1000 पिक्सल रखते हैं। अगर हमें फिक्स विड्थ वाली वेबसाइट बनानी हो, जैसा कि ये वेबसाइट है, वैसे तो आजकल फिक्स विड्थ वाली वेबसाइट कम बनती है, ज़्यादातर होता है वो लिक्विड डिस्प्ले होता है उसका, लिक्विड लेआउट होता है, जो जितनी जगह होती है उतने पर फैल जाता है। लेकिन स्टिल बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसा कि फेसबुक फिक्स विड्थ पर बनी हुई है, ठीक है। फेसबुक को अगर आप जूम आउट करेंगे तो वो इतने बीच पिलर बन जाता है, पिलर की तरह बन जाता है, करके देखिएगा आप, ठीक है। उसका जो ऊपर वाला हेडर है वो लिक्विड है, लेकिन जो नीचे जहाँ पोस्ट आ रही होती है वो उसका फिक्स विड्थ वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको देखते देखते पता चलेगा, अच्छा जी ये वेबसाइट भी फिक्स विड्थ है, अच्छा ये वेबसाइट जो है डायनेमिक है पूरा ही, ये लिक्विड है बिल्कुल। तो ये वाली जो वेबसाइट है ना, अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देखें ये क्या हो जाता है, इसकी विड्थ जो है वो फिक्स है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो ये पिलर की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो इसकी जो विड्थ है ना, वो भी ज़रा हम देख लेते हैं कि इन्होंने कितने विड्थ पे इसको सेट किया हुआ है। इन्होंने जो इसकी विड्थ को सेट किया हुआ है ना, वो सेट किया हुआ है 1232 पिक्सल पे, ठीक है, 1232 पिक्सल पे इन्होंने इसकी विड्थ को सेट किया हुआ है। अच्छा, जो कि मेरे हिसाब से कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, लैपटॉप लार्ज जो है वो 1440 है और लैपटॉप जो है वो 1024 है, तो इन्होंने लैपटॉप लार्ज और लैपटॉप के दरमियान का एक हिस्सा चूज़ किया हुआ है कि जी आप इतने पर इसको सेट कर लो, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, 1000 पिक्सल पर सेट कर लेते हैं सीधा सीधा। तो अब मैंने क्या करना है, ये हेडर एज जो है ना मेरा, ये तो एज टू एज है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो चीज़ है मेरे पास, ये हेडर जो है, इसको मैं क्या बोलूँगा कि आपकी जो हाइट है वो क्या हो जाए, विड्थ जो है आपकी वो क्या हो जाए, वो हो जाए 1000 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैंने 1000 पिक्सल विड्थ कर दिया ना, अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, रिफ्रेश किया मैंने, 1000 पिक्सल पर फिक्स हो गया ये, अब ये देखो हिलेगा नहीं अपनी जगह से ये। अच्छा, वो असल में ओवरफ्लो रहा है, वो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको बोलना है कि भाई मैक्सिमम हाइट आपकी, सही है, सिर्फ हाइट बोलने से वो अभी वो मैं दिखा नहीं पा रहा। अच्छा, टाइम भी हमारे पास ज़रा कम है अभी, तो हम इसको असल में मैक्स विड्थ पे सेट करेंगे कि जी मैक्सिमम विड्थ आपने, मैक्सिमम कर रहा हूँ, मेन विड्थ है ना, मेन विड्थ कम से कम इतनी विड्थ रहे आपकी ना, तो ये वाला मैंने इसको सेट करना है। मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब हमारे पास अंदर क्या हो गया, ये जगह बन गई है इतनी। अब इस जगह पे जल्दी से हम ये आइटम लगाते हैं जो हमारे लगाने वाले आइटम हैं, और हम जो है ना क्लास को ख़त्म करते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मिनट रही है सर। अच्छा, अब हमें चाहिए 3 अदद इमेजेस, तो इसी वेबसाइट से हम निकाल लेते हैं इमेज, कहाँ गई हमारी वेबसाइट ये। एक तो इमेज ये चाहिए हमें, सही है। इस इमेज को मैं लगाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको डेस्कटॉप पर ला के यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा मैं उसको, ठीक है। और डेस्कटॉप पे लाके छोड़ने के बाद फिर मैं यहाँ लाऊंगा और अपने यहाँ लाके छोड़ दूंगा। ये मेरे पास आ गया, मैंने कहा कि जी logo.webp, ठीक है, logo.webp मैंने इसका नाम दे दिया। अच्छा, इस लोगो को मैंने कहाँ लगाना है, दरमियान वाले डब्बे के अंदर लगाना है। तो मैं दरमियान वाले डब्बे को जो मैंने अभी फ़िलहाल जो विड्थ
दी हुई है वो 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल दी हुई है, बट आई थिंक 100 पिक्सल इज नॉट इनफ। चलो लगा के देखते हैं। दरमियान वाले डब्बे में मैंने क्या लगा देना है, ये अदद इमेज लगा देनी है। और डॉट स्लैश मैंने कहा कि जी लोगो डॉट वेब पी लोगो, सही है। अच्छा ये इमेज ज़रा बड़ी है तो हम इस वेबसाइट से ही देख लेते हैं कि इन्होंने इसकी विर्थ हाइट को क्या सेट किया हुआ है। इन्होंने इसकी जो विर्थ हाइट है ना वो 259 सेट की हुई है, यानी 200 पिक्सल के अराउंड इसको सेट किया हुआ है। जब मैं ज़ीरो पे करता हूँ तो इस तरह का दिखता है मुझे, ठीक है। 259 इसकी जो है ना विर्थ को इसने सेट किया हुआ है, और इसकी हाइट जो है वो 187 है। ऑटो एडजस्ट क्यों करेगा वो भाई, इमेज की जितनी विर्थ थी जितनी हाइट थी उतना उसने डिस्प्ले करवा दिया, ओवरफ्लो कर गया। हाँ नहीं, बॉक्स इसके साथ अभी देखते हैं वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, अभी हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। असल में चक्कर पता है क्या, ये जो मेरी जो डिव है ना मेरा, इसको मैंने बोला हुआ है कि आपकी विर्थ है 100 बाई 100, तो वो 100 से ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं, इसलिए वो ओवरफ्लो हो गया। भाई जब मैंने उसको फिक्स बता दिया ना कि आपकी विर्थ है 100 बाई 100, तो इसलिए वो बड़ा नहीं हुआ। अभी मैं 100 हटाऊँगा ना इसका तो ये खुद बड़ा हो जाएगा, आप देखें। नहीं फ्लैक्स ना भी करूँ तो भी बड़ा हो जाएगा वो, ये देखें बड़ा हो गया। मैंने विड्थ फिक्स कर दी थी उसकी कि जी 100 है, उसको पता था मेरी विड्थ इतनी है, वो हिल नहीं रहा था। अब उसको विड्थ नहीं पता तो वो ऑटोमेटिक डायनेमिक है, इसका फ्लैक्स से भी ताल्लुक नहीं है, बगैर फ्लैक्स के भी ये इसी तरह चलेगा। लेकिन आप देखें बाकी का जो डिफ था ना, ये अब ये क्या हो गया, ये एक सिंगल लकीर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसको विड्थ नहीं पता अपनी कि क्या है। अच्छा हाइट भी इसको मैंने नहीं बताई, लेकिन हाइट जो है वो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ना हाइट 100% होती है हमेशा, तो इसलिए वो कर लिया उसने। अच्छा ये एक हो गया, इसको इन्होंने बोला है कि भाई 200 इसकी होनी चाहिए विर्थ ना, तो मैं इस इमेज पे आके इसको बोल देता हूँ कि जी इसकी विर्थ जो है वो क्या है, 200 पिक्सल है, सही है। इस इमेज को मैंने 200 पिक्सल पे सेट कर दिया। अच्छा कुछ शेप आता जा रहा है अब मेरी वेबसाइट का। अच्छा इस वाले बॉक्स के अंदर अब मुझे ये बॉक्स, क्योंकि इसमें कोई आइटम भी नहीं है और इसकी विर्थ भी मैंने नहीं बताई, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये एक अलिफ की सूरत अख्तियार कर गया। तो यहाँ पर भी आके ना मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई दूसरी इमेज तो है नहीं, तो मैं इसी इमेज को जो है ना छोटा छोटा करके 3 दफ़ा लगा देता हूँ, राइट। अच्छा मैंने कहा कि जी IMG। अच्छा वो एक चीज़ और, अभी एक चीज़ और ये थी कि इस डिव के अंदर डायरेक्ट वो नहीं लगेगा। यहाँ पे जैसा कि हमने डिज़ाइन में ये बात डिसाइड की हुई थी कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और ये 3 बॉक्सेज हैं, लेकिन इन 3 बॉक्सेज के अंदर मुझे 3 बटन ऐसे बनाने हैं ना जब, तो मुझे फिर इसको भी फ्लैक्स करना पड़ेगा और ये 3 डिव होंगे अलग अलग। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये 3 डिव हों, ये डायरेक्ट इमेजेस खुद भी हो सकती हैं, ये तीनों जो हैं वो डायरेक्ट इमेजेस खुद भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मैं इस वजह से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट उन इमेजेस को लगा रहा हूँ, क्योंकि इमेज भी तो एक बॉक्स है ना, भले मैं डिव बना के उसमें इमेज लगाऊँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ लगाई है, एक डिव लगाया पूरा, ठीक है, अगर इस डिव को मैं पूरे को हटा दूँ तो इमेज इटसेल्फ खुद भी तो बॉक्स है ना, तो अब इमेज क्या हो गया, इसका डायरेक्ट चाइल्ड हो गया, तो मेरा UI बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, समझ आई बात, क्योंकि इमेज इटसेल्फ भी तो एक बॉक्स है ना ये वाला। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इस अगर डिज़ाइन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास ये बॉक्स एक डिव है, ये बॉक्स एक डिव है, ये बॉक्स इटसेल्फ एक इमेज है, समझ आई बॉक्स। तो यानी जब चाइल्ड की बात होती है ना, यानी जब चाइल्ड की या कंटेनर की या आइटम की बात होती है, वो HTML का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो मैंने इस केस में ये वाले को डायरेक्ट इमेज कर दिया है, इस केस में ये वाला डिव है, डिव इसलिए कि अंदर सामान रखवाना है, अगर अंदर सामान नहीं रखवाना, मतलब इमेज के अंदर सामान नहीं रखवा सकते हम, ठीक है, ये डिव है इसके अंदर सामान रखवाना है। तो और ये और ये और ये, इन तीनों को मैं डायरेक्ट इमेज इटसेल्फ कर देता हूँ, मैं डिव के अंदर भी रखवा सकता था, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट इमेज इटसेल्फ यहाँ पे रखवा रहा हूँ, ठीक है जी। और मैंने कहा कि जी डॉट स्लैश आपको भी यही लोगो चाहिए, ठीक है, और इसका ज़रा मैं 3 दफ़ा लगा रहे हैं ना, ये 3 दफ़ा लगा दिया, रिफ़्रेश किया, हाँ हाँ अभी वो अभी एंकर टैग भी लगा लेते हैं, एंकर टैग भी मैं ज़रा इसका वो देख लूँ साइज़ कि इन्होंने क्या सेट किया है। इसका जो साइज़ सेट किया इन्होंने 18.67 पिक्सल किया, तो हम इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा के राउंड फिगर पर ले आते हैं, ठीक है, इसको 20 पिक्सल इसकी मैंने। अच्छा बावजूद इसके कि इस तरह करके विर्थ लगाना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हमें इमेज उतने ही साइज़ की बनानी होती है जितने की हमें डिस्प्ले करवानी है, लेकिन उस वेबसाइट पे क्योंकि इमेज ज़रा थोड़ी बड़ी है और छोटी करके मुझे इसमें भी उसको साइज़ को चेंज करना पड़ा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आइडियल केस कि हमारे पास जितनी बड़ी इमेज डिस्प्ले करानी है ना उतनी ही बड़ी इमेज हो, उसमें ये विर्थ हाइट मुझे लगाना ना पड़े,
ठीक है, तो तीनों को बहरहाल मैंने 20 पिक्सल कर दिया। ठीक है, अब तीनों को 20 पिक्सल करने के बाद ये क्या हुआ, ये तीनों टॉप पे जाके चपक गई हैं। अच्छा, इसका जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये इनविजिबल है। ठीक है, जो ग्रीन बॉक्स अभी दिख रहा है ना आपको, ये बॉक्स तो इनविजिबल है, ये थोड़ी देर में बॉर्डर हटा दूंगा इससे, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि इस बॉक्स के टॉप पे। अच्छा, ये ब्लू वाला जो है ये भी क्या है, इनविजिबल है ये। हेलो जी, जी मैं आ जाऊंगा। हाँ, अभी SF में हूँ मैं, ऐसा निकलूंगा जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये हेडर एज टू एज वाला जो है ना, इसका मैं बॉर्डर बल्कि हटा भी देता हूँ आपके हाथ। ठीक है, ये एज टू एज वाले का जो बॉर्डर है ना, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, यानी ब्लू वाला जो है ये, इसका मैं बॉर्डर हटा चुका हूँ, हट गया ये। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला बॉक्स है और इसके अंदर 1, 2, 3 बॉक्स हैं। अच्छा, ये बॉक्स इस वक्त अलिफ बना हुआ है, ये भी अलिफ बना हुआ था, इसके अंदर भी कंटेंट डाला है तो थोड़ा इसमें डिस्प्लेनेस आई है थोड़ी। ठीक है, वापस आते हैं इधर हम। अब इस बॉक्स के अंदर जो है, अगर आप नोट करें तो दो मसले हैं। नंबर एक तो ये चला गया है टॉप पे, नंबर दो इसने आपस में जो है ना कोई स्पेस नहीं है इसके, ये बहुत ज़्यादा चपक गए हैं आपस में ये आइटम्स जो है ना मेरे। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आपस में अच्छा खासा फासला है। ठीक है, इनके आपस में क्या है, अच्छा खासा फासला है। अच्छा, तो अब चक्कर ये है कि मेरे पास जो ये 1000 पिक्सल का आइटम था ना, ये तीनों जो था, ये 1000 पिक्सल का ये पूरा जो बॉक्स है, इस 1000 पिक्सल को 3 जगह डिवाइड किया हुआ है इन्होंने जो किया हुआ है, 3 जगह डिवाइड किया हुआ है, इक्वली डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, हमने क्या किया, 3 अलग अलग डिव बनाए और 3 अलग अलग डिव बना के हमने क्या किया, उसको स्पेस अराउंड दे दिया। स्पेस अराउंड देने की वजह से वो क्या हुआ है, उनमें आपस में फासला है, वो चिपके हुए नहीं है बिल्कुल, आपस में फासला है। जब स्क्रीन छोटी होगी तो वो करीब आएंगे, इस तरह का कुछ सिनेरियो बनेगा हमारा। अच्छा, और हमारे पास जो उसका उससे नतीजा ये निकला है कि हमारे पास ये तीनों आइटम है, इसका जो पेरेंट है, इसके पेरेंट की जो विड्थ है ना, वो अपने कॉन्टेंट पर टाइट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये करूं कि इस वाले डब्बे की इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ना, मैं इस वाले डब्बे को देखता हूं, इस वाले डब्बे की विर्थ थोड़ी बढ़ाऊं मैं, है ना, इस वाले डब्बे की मैं विर्थ थोड़ी बढ़ाऊं और फिर मैं उन तीनों आइटम को बोलूं कि जी आप इवनली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों आइटम को ना मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन पैडिंग दे दूं, जिससे ये आपस में थोड़ा दूर दूर हो जाएं। तो क्या ख्याल है, यहाँ पे मार्जिन पैडिंग्स देना ज़्यादा बेहतर है, इसके बॉक्स के विड्थ को बढ़ाना ज़्यादा बेहतर है? इस जगह पे मार्जिन पैडिंग देना ज़्यादा बेहतर है, क्यों कि मुझे ना इन आइटम्स का जो फासला है वो हर मौके पे फिक्स रखना है, मुझे उसको कम नहीं करना मज़ीद। जैसे कि मतलब यहाँ पे जो है इन तीनों का जो फासला है, इसको मैंने कम नहीं करना मज़ीद, इसको मैंने इतना ही दिखाना है। ठीक है, हाँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनका फासला कम हो तो वो कम होना चाहिए, लेकिन इन तीनों का जो आपस में फासला है ये कम नहीं होना चाहिए इस केस में अगर देखा जाए तो। ठीक है, जो नज़र आ रहा है कॉमन सेंस की एक बात जो नज़र आ रही है। ठीक है, वैसे तो डिज़ाइनर आपको ये भी बात बताता है कि जी स्क्रीन साइज़ छोड़ने पर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अभी खुद से डिसीजन ले रहे हैं देखते हुए कि जी इस तरह का होना चाहिए तो बेस्ट है। ठीक है, तो इनका फासला कम नहीं होना चाहिए, हमेशा इतना ही रहना चाहिए। तो इसको मैं क्या कर दूँगा, डायरेक्टली क्या कर दूँगा उसको, मैं इसको कोई क्लास दे देते हैं अच्छी सी। अच्छा, मैं कहता हूँ हेडर के अंदर आइटम वन के अंदर जो इमेज है, ऐसे करके बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा डॉट हेडर के अंदर जो आइटम वन है और उसके अंदर जो IMG है, उसको क्या दे दो आप, मार्जिन दे दो, एक साइड पे ही मार्जिन दे दें तो काफ़ी है। तो मैं मत दे देता हूँ मार्जिन राइट, और मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल नहीं, इसको मैं कहता हूँ 1 REM। ठीक है, यानी टेक्स्ट के हिसाब से मैं इसको दे रहा हूँ मार्जिन, ताकि टेक्स्ट को कल को छोटा बड़ा हो ना तो ये भी चेंज हो साथ में। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा इसको मार्जिन दे दिया। ठीक है, और अच्छा, लास्ट वाला जो आइटम है ना, इस पर भी देखें थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। इस एक्स्ट्रा मार्जिन का फ़ायदा ये होगा कि कल को जब ये लोगो है ना, जब स्क्रीन छोटी होगी मेरी, ये लोगो जब आगे चपकेगा ना इसके साथ, तो ये इतने से ज़्यादा करीब नहीं आ पाएगा, क्योंकि मार्जिन मैंने कर दिया फिक्स, इससे ज़्यादा करीब नहीं आ पाएगा वो। ठीक है, अच्छा, ऑन अदर एंड ये वाला जो पार्ट है ना, ये दीवार से चिपक जाएगा इधर आगे। ठीक है,
ठीक है, बट ये लोगो इसके इतना करीब आ पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये आप डिसीजन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिनेरियो है कि जी मुझे मार्जिन लेफ्ट पे भी चाहिए, राइट पे भी चाहिए, दोनों साइड चाहिए, या एक साइड चल जाएगा, या सिर्फ दरमियान में चाहिए, दोनों साइडों पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम का जो सेलेक्टर हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, वो इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम को हम डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ फर्स्ट आइटम को भी इधर दो मार्जिन, मार्जिन देने के बाद मैं बोलूँ फर्स्ट आइटम पे अलग से मैं बोलूँ मार्जिन है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो हम इसको डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं। अब मुझे इसको लाना है वर्टिकली दरमियान में लाना है, ठीक है। वर्टिकली दरमियान में लाने के लिए फ्लैक्स बॉक्स में हमारे पास एक चीज़ मौजूद है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं अलाइन आइटम। अलाइन आइटम बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है? स्ट्रेच। इसको स्ट्रेच करके ना टॉप टू बॉटम ये इसको खींच के बड़ा कर रहा होता है, स्ट्रेच कर रहा होता है। अच्छा, ये अलाइन आइटम लगता है किस पे? पेरेंट के ऊपर लगता है। तो पेरेंट के ऊपर अलाइन आइटम लगा के मैं बोलूँगा बच्चा सेंटर में हो जाए, आप अपने बच्चों को सेंटर में कर लें। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि जी ये जो आपका इसका पेरेंट कौन है, इन तीनों इमेजेस का जो भी पेरेंट है, आइटम वन है। अच्छा, ये आइटम वन इस वक्त फ्लैक्स बॉक्स नहीं है, ये भी आप नोट करें, आइटम वन इस वक्त फ्लैक्स बॉक्स नहीं है, ऐसा ही है ना। ये हेडर तक तो फ्लैक्स बॉक्स है, ये हेडर तक तो फ्लैक्स बॉक्स है, और ये एक चाइल्ड है, ये दो चाइल्ड है, ये तीन चाइल्ड है, लेकिन इस आइटम वन को मैंने अभी तक फ्लैक्स बॉक्स डिक्लेयर नहीं किया, जो कि मैंने यहाँ पे सोचा हुआ था कि मैं करूँगा डिक्लेयर, अभी तक किया नहीं है मैंने, कर देते हैं डिक्लेयर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको फ्लैक्स बॉक्स डिक्लेयर करूँगा ना, तो अलाइन आइटम डिफ़ॉल्ट क्या है, आप गौर कीजिए यहाँ पे, अलाइन आइटम डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रेच है। तो ये करेगा क्या? ये इस लोगो को खींच के ना टॉप टू बॉटम कर देगा, ऐसा खींच के बड़ा कर देगा इसको, तो ठीक है। वो इसलिए नहीं हुआ कि अभी फ्लैक्स बॉक्स बना नहीं है अभी तक, ये आगे इसको फ्लैक्स बॉक्स बना देते हैं। ज़रा हम डॉट हेडर के अंदर जो डॉट आइटम वन है, उसको मैंने बोला कि भाई डिस्प्ले आप क्या हो, फ्लैक्स हो, सही है। ये वाला सेलेक्टर मैंने ऊपर तो कहीं नहीं लगाया ना, पहले ही लगाया, ठीक है। अच्छा, इसको पता नहीं इसने स्ट्रेच कर दिया ना, रिफ्रेश नहीं हुआ था, स्ट्रेच कर दिया ऊपर से नीचे तक, क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रेच है। स्ट्रेच को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई अलाइन आइटम जो है ना, आप स्ट्रेच नहीं करो, आप इसको सेंटर में करो, ये सेंटर में हो गया, ठीक है। तीन छोटे छोटे आइटम आ गए, ठीक है। और सही, इसमें मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ छोटी छोटी इमेजेस में, क्योंकि ये इमेज ना असल में है स्क्वायर, लेकिन ये दिख रही स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़रा बॉर्डर लगा दिया कि जी ये कहाँ तक इसके बॉर्डर्स हैं वो ज़रा मुझे दिख जाएं। अच्छा, अब मेरा एक साइड जो है वो बिल्कुल सेट हो गई है, दूसरी साइड में भी मैंने एग्जैक्टली यही काम करना है ना। तो मैं दूसरी साइड पे भी क्या करूँगा, उठा के जो यही जो आइटम वन के अंदर जो एक लगा हुआ है ना आइटम, इसी को उठा के आइटम थ्री में भी एक पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि इसी तरह की एक इमेज मुझे चाहिए होगी, इसी तरह की एक इमेज मुझे चाहिए होगी वहाँ पर भी, और उसकी 20 पिक्सल उसकी मुझे वो दिखानी है, और आइटम थ्री को भी मैं यही सारे काम कर दूंगा जो मैंने आइटम वन पे किए, ठीक है। आइटम थ्री, अच्छा ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो क्या ये सही तरीका है लिखने का जो मैंने लिखा है अभी, उस तरफ भी आ गया, ये तरीका सही है लिखने का? इसका एक तरीका और भी है, वो तरीका है ये, सही है। कॉमा सेपरेटेड है ना, सही है। एक मैंने ये सेलेक्टर लिखा, कॉमा करके दूसरा सेलेक्टर लिखा, और ये दोनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है। मुझे कोड रिपीटेशन से अगर बचना है तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, या अलग अलग भी लगा सकता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अगर तीन चार लाइन डुप्लीकेट हो रही है इसका कोई मसला नहीं है, 40-50 लाइन जब डुप्लीकेट होती है तो फिर हमें उसको देखना चाहिए। अच्छा जी, तो ये हमारा इतना जो फ्लैक्स था ना, इतना जो लेआउट था वो तैयार हो गया। अच्छा, आप दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे मुझे एंकर टैग चाहिए, असल में तो बात ये है कि एंकर टैग चाहिए मुझे। तो अब देखें, बात ये है कि ये मेरा जो क्या है, ये फ्लैक्स बॉक्स है, ये इसका डायरेक्ट आइटम है। तो अब डायरेक्ट आइटम जो है ना, उस पर मैं एक एंकर टैग भी लगा सकता हूँ। मैंने एंकर टैग लगाया, मैंने कहा कि जी http://, और google.com/abc, कोई भी मैंने URL लिख दिया इस पर, और इस URL के अंदर मैंने इमेज लगा दी एक, ठीक है, इमेज URL जिसको हम कहते हैं, इमेज URL, ठीक है, या इसी के ऑन क्लिक पे मैंने कुछ इस तरह की चीज़ कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इमेज का इस्तेमाल तो डायरेक्ट कहीं नहीं किया ना,
अच्छा ये मैंने मार्जिन जो दिया ना उसमें मैंने इमेज का इस्तेमाल किया हुआ है असल में, ठीक है। तो इसको मुझे जस्ट फिर ए करना पड़ेगा, एंकर टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई इमेज या एंकर जो भी हो, मैंने कॉमा डाल के ना इसमें बोला कि भाई इमेज भी आ सकती है, एंकर भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, तो दोनों के साथ ये करना है आपने। तो जब मैंने रिफ़्रेश किया ना इसको, तो आप देखें ये लिंक बन गया। अब ये क्या हो गया, असल में ये मैंने मोबाइल किया हुआ ना तो इसलिए वो, ठीक है। आप देखें ये क्लिकेबल लिंक हो गया, ठीक है। तो एक को मैंने लिंक बना दिया, बाकी जो है वो इमेजेस हैं, ठीक है। ये एक को मैंने एंकर टैग बना दिया, एंकर टैग के अंदर इमेज लगा दी मैंने, ठीक है। बाकियों को मैंने सीधा सीधा इमेज रखा है, चाहूँ तो उसको भी मैं एंकर टैग बना दूँ, इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेआउट से लेआउट मैटर नहीं करेगा। अब इसमें मैं इस जगह पर कुछ भी प्लेस कर दूँ, कोई भी एलिमेंट लगा दूँ, वो उतना ही बड़ा दिखेगा और लेआउट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लेआउट को मैंने टाइटली सेट कर दिया। अच्छा, अब मेरा ख्याल है ये मेरा टॉप वाला जो आइटम है ना, ये क्या हो चुका है इस वक्त, रेडी हो चुका है। इसको ज़रा हम छोटा बड़ा करके देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, छोटा बड़ा करने से तो भाई ये हिल भी नहीं रहा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने जो इसकी हाइट लगाई है ना 1000 पिक्सल, उसमें स्टिल कोई गड़बड़ है, इसमें स्टिल कोई गड़बड़ है। मैंने मिन मैक्स में ना हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने दोबारा वही गड़बड़ की। इसमें मैक्स वर्थ मुझे चाहिए थी 100,000, ठीक है, और मिन को भी मुझे कहीं ना कहीं सेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। मिन वर्थ को मैं कैसे सेट करूँगा इसकी, क्योंकि मैं मैक्स वर्थ लगाता हूँ तो मैक्सिमम तो सेट हो गया, लेकिन मिनिमम भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना। नहीं, अगर मैं इसको, असल में यार मैं हमेशा ना इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये तो हो गया, लेकिन जब स्क्रीन का साइज़ छोटा हो तो मुझे साथ में इसको छोटा भी करवाना है। मुझे समझ आ गया क्या करना है, मुझे करना ये असल में मैक्स विड्थ मुझे देनी है इसकी, सही लगाया था मैंने, मैक्स विड्थ देनी है मुझे 1000 पिक्सल, ठीक है, जिससे ये छोटा हो गया। अब ये 80% से ऊपर, मतलब ये 1000 पिक्सल से ऊपर नहीं जाएगा अगर इसका कंटेंट बढ़ता है तो, 1000 पिक्सल पे लिमिट हो जाएगा। और मुझे मिन विड्थ भी साथ में लगानी है, वो मुझे लगानी है परसेंटेज में। मिन विड्थ मैंने कहा भाई इसकी रहनी चाहिए 80% ऑफ द स्क्रीन, और 80% ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन का जो भी 80% बनता है वो होनी चाहिए। अब ये छोटा होगा साथ साथ, ठीक है। ये मैं अक्सर ना इस चीज़ में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी जब स्क्रीन बड़ी होगी ना तो ये 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो 1000 से भी ऊपर चला गया, ये क्या चक्कर है। अब 1000 से ऊपर जा रहा है ये, हाँ भाई क्या मिस्टेक है इसमें स्टिल। हाँ नहीं यार, ये 1000 पे इसको रुक जाना चाहिए, पता नहीं 1000 से क्यों ऊपर जा रहा है ये। सर ये परसेंटेज है, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से है, ये परसेंटेज है। वेल यार, मैं इसके लिए नहीं, नॉर्मली मुझे इसको 80% पे सेट। अरे यार मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, मैं भूल गया हूँ, वो सिर्फ विर्थ लगा के 80 करते हैं, क्या करते हैं यार, कुछ मैं करता हूँ इसके लिए वो मैं भूल गया हूँ। बड़े हो गया, हो गया छोटा कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, लेकिन बड़ा कर रहा हूँ तो 1000 पे ही रुक जा रहा है, सही है, 1000 से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा ये क्या किया मैंने इसके लिए, विर्थ दी 80% और मैक्सिमम इसका मैंने ये लिमिट लगा दी कि 1000 से ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। 100% भी कर सकते हैं इसको, नीचे वाले को 100% नहीं, दोनों परसेंट हो जाएगा फिर तो मज़ा ही, उसको पता ही नहीं चलेगा ना फिर। मैक्सिमम विर्थ 100%, नहीं फिर ये रुक नहीं रहा ना, फिर ये आगे तक जा रहा है। नहीं नहीं, एक मुझे पिक्सल में देना होगा इसको, ताकि उसको पता चले भाई इतने पिक्सल जो है ना मैक्स है मेरा, इससे मैंने ऊपर नहीं जाना, सही है। ये अभी ये समझ आ गया,
ठीक है, छोटा करने पे ये छोटा होगा, करीब आएगा। अच्छा ये कहाँ तक सही चल रहा है? ये मोबाइल लार्ज तक ये बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा ये बॉर्डर वॉर्डर हटा देता हूँ, जो मैंने ये एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाया है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। सही, और किधर लगाया मैंने बॉर्डर? बस दो ही जगह लगाया। सही है, ये बॉर्डर मैंने इसका हटा दिया और इसको इस तरह कर दिया। तुम्हारा जो ये वेबसाइट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये बन गया है। जस्ट इसमें लोगो चेंज है, हमारे में लोगो हमने एक ही इमेज को चार दफ़ा लगा दिया, तो इसलिए थोड़ा वियर्ड लग रहा है। अच्छा इसके नीचे वाला पार्ट जो है नेविगेशन बार, इसको भी बना ही के जाते हैं भाई। सही है, इसको भी हम हाथ के हाथ बना के जाते हैं। इसको मैं, ये जो हेडर है ना, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पूरा। अब यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊँगा। अच्छा हेडर एज टू एज को मैं क्लोज क्यों कर रहा हूँ बाई द वे? ये हेडर जो एज टू एज है मेरा, इसके अंदर जो ये 1000 पिक्सल पे जो लिमिट किया मैंने, मुझे तो इसके अंदर ही चाहिए ना ये। हाँ मतलब ये नेविगेशन बार भी तो मुझे इतने ही पार्ट पे चाहिए, पूरा आखिर तक थोड़ी है नेविगेशन बार। सही है, उससे भी थोड़ा कम है बल्कि। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी के अंदर मैं भी बना देता हूँ, मैं हेडर के अंदर। सही है, हेडर के अंदर मैंने एक बना दिया नेव। अच्छा नेव का जो है ना, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो डिव है ना नेव का, उसका नाम हम डिव ना रखें, उसका नाम हम नेव रखें। सही है, ताकि वो पता चले कि अच्छा जी ये नेव है। उसके बाद क्या लगाएं उसमें? यूएल। और उसके बाद क्या लगाएं उसमें? एलआई। सही है, और एलआई के अंदर लगाएं हम ये होम और जो भी मेरे आइटम्स हैं जितने भी। सही है, मैंने सबका ही फ़िलहाल नाम होम रख दिया है। अब इसकी हम करेंगे कहानी स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे जो मैंने बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे एक ही इसका पेरेंट था और उसके अंदर डायरेक्ट ये आइटम लगा हुआ था। तो इस केस में ये पेरेंट कौन हो गया? ये पेरेंट हो गया यूएल, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट ये चीज़ मौजूद है। अच्छा नेव कहाँ गया? नेव एज टू एज उसके साथ पैक रहेगा पेरेंट के साथ। तो मैं यूएल को जाके बोलूँगा कि बच्चा आप हो फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, मैं यूएल को जाके बोलूँगा कि क्लास आपकी क्या है भाई? नेव बार है। सही है, इस नेव को हम कोई स्टाइल नहीं देंगे, तो ये एज टू एज खुद ही पैक रहेगा। अब हम देख लेते हैं आगे कि क्या रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, और मैंने कहा कि जी क्लास जो है ना, नेव है, और नेव को मैंने कह दिया डिस्प्ले आपका जो हो जाएगा फ्लैक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें नतीजा क्या हुआ है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे मौजूद थी पहले, उसके आगे मैंने लगाया तो वो राइट टू लेफ्ट ही चल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि मुझे ना एक और बनाना पड़ेगा, ये वाला आइटम इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। हाँ डिज़ाइन में अलग से बनाया था, चलो यहाँ भी अलग से बना लेते हैं। सही है, मैंने हेडर एज एक और बना लिया, क्योंकि हेडर एज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं? हेडर एज को मैंने क्या बोला है? हेडर एज को मैंने बोला है डिस्प्ले फ्लैक्स हो और जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर हो, दैट्स इट। और मैंने इसको कोई बात नहीं बोली। वेल यार ये पुराने वाले को हम छोड़ देते हैं। असल में देखो अब जल्दबाजी में ना यही गड़बड़ें होती हैं। इसका नेव पेरेंट है ना, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका आउटर पेरेंट है ये इसका। अच्छा जी नेव हो गया, और ये हमारे पास नेव हो गया ये। ठीक है, नेव को बहरहाल मैंने फ़िलहाल कह दिया कि भाई आप डिस्प्ले फ्लैक्स हो। चलो अब ये नीचे तो आ गया। सही है, नीचे आ गया, इसको मैं कुछ ना कुछ बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि ये दिखे। सही है, इसको मैंने एक अदद बॉर्डर दे दिया। ये जी मुझे टॉप टू बॉटम जो है ना, मतलब राइट टू लेफ्ट पूरा इस तरह दिख रहा है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इस पर से ये डॉट डॉट जो आ रहे हैं ये ख़त्म कराना है। कैसे होगा ये ख़त्म, कौन बताएगा? डॉट नेफ के अंदर डॉट यू एल डॉट एल आई जो है, और उसके अंदर जो डॉट एंकर टैग है उस पर से मैं क्या बोलूँगा? लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ठीक है, ये नन हुआ, क्यों नहीं हुआ? सॉरी ये एल आई तक जाना था मुझे, एल आई पे लगा हुआ है ना वो। तो सही है, एल आई पे लगा हुआ है। अच्छा एल आई के अंदर बाय द वे लगेगा एंकर टैग, एल आई के अंदर जो है ना एंकर टैग लगेगा जो क्लिकेबल होगा। सही है, एल आई के अंदर जो है ये आइटम लगेगा जो क्लिकेबल होगा, वो एंकर टैग होगा। एल आई को हम क्लिकेबल नहीं बनाते हैं। ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये एंकर टैग लगने की वजह से इसमें अंडरलाइन और ये ब्लू कलर और ये सब आ जाएगा। इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
एलआई के अंदर एंकर टैग जो है उस पे से क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से ये नीचे की लाइन हट जाएगी, ठीक है। और अभी जो ब्लू वाला मंजन है ना, इसको भी हटाने के लिए कुछ कोड लिखते हैं, वो भी मैं भूल रहा हूँ अभी। कलर नहीं, वो विजिटेड विजिटेड करके होता है, वेल वो मैं भूल गया हूँ, खैर वो बाद में देख सकते हैं हम अलग से। बुक में जो लिस्ट वाला जो चैप्टर है ना, ओ सॉरी लिंक वाला जो चैप्टर है, एंकर टैग जहाँ डिस्कस है, वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है वो, क्योंकि देखो अभी मैंने इसको क्लिक किया है ना, तो ये विजिटेड पे कलर इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जब मैं क्लिक करके रखता हूँ तो इसका एक और कलर आया हुआ होता है, सही है। तो इस तरह से ना ये कलर चेंज ना हो, मैंने जो कलर दिया एग्जैक्टली वही कलर रहे, उसके लिए मुझे ना वो विजिटेड करके एक लगाना होता है, सही है। फिलहाल मैंने इसको ब्लैक ऐसे करके बोल दिया। अच्छा, ब्लैक बोलने के बाद अगला काम मुझे ये करना है, इसको सेंटर में लाना है। अब मेरे केस में जो ग्रीन वाला बॉर्डर है ना, ये मेरा फ्लैक्स बॉक्स है, और ग्रीन वाले बॉर्डर के अंदर, ये ग्रीन वाला बॉर्डर है जो कि क्या है, एक अदद यू एल है, और इसके अंदर क्या है एल आई, और एल आई के अंदर एक एंकर टैग है। तो मैं अभी इस वक्त एंकर टैग को कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं एल आई को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आइटम तो वो है, पेरेंट मेरा यू एल है जो फ्लैक्स बॉक्स है, और जो मेरा आइटम है उस पेरेंट, यानी फ्लैक्स बॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि पेरेंट और कंटेनर, मेरा जो कंटेनर का जो आइटम है वो एल आई है। तो मैं एल आई को क्या करता हूँ, सबसे पहले आके कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ विर्थ इसको दे देता हूँ ना एल आई को, मे बी विर्थ देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, मेरा जो पेरेंट है ना नैव, इसको मैं बोलूँगा भाई अपने बच्चों को आप क्या करो, संभालो, क्या था यार वो, जस्टिफाई कॉन्टेंट है ना, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर कर देता हूँ मैं इसको, तो ये सारे सेंटर में आ गए, सही है। क्या ये सही है, इसमें तो दरमियान में स्पेस चाहिए मुझे। अब इसको मैं करता हूँ अगर जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस अराउंड, तो ये क्या होगा, ये पूरा कोने तक आ जाएगा, ये भी गड़बड़ है, सही है। तो मुझे स्टिल इसके लिए वो 1000 पिक्सल वाली जो लिमिट थी ना, वो इस पे मुझे कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी, जो 1000 पिक्सल वाली लिमिट थी ना मुझे, वो मैं कैसे करके लगाऊंगा, जाहिर है इसके पास मुझे एक और पेरेंट मिल रहा है ना, एक ये नैव है, इस पे तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने, तो मैं इसी नैव वाली क्लास के ऊपर जो मेरा फ्लैक्स बॉक्स का पेरेंट है, इसके ऊपर मैं वो वाली चीज़ अप्लाई कर देता हूँ जिससे मैंने उसको लिमिट किया था। मैंने कहा भाई विड्थ जो है ना आपकी वो 80% है, सही है, और मैक्स विड्थ जो है आपकी वो 1000 पिक्सल है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 1000 पिक्सल पे लिमिट हो जाएगा। लेकिन अब आप नोट करें, ये पूरा आइटम जो है ना वो दरमियान में नहीं हुआ, पूरा का पूरा आइटम ये दरमियान में नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने इस नैव की विड्थ को कम किया, तो इसका पेरेंट कौन है, इस नैव का, वो नैव ही, उसको मैंने कोई क्लास ही नहीं दी है, ठीक है। तो इसको मुझे फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि इसका दरमियान वाला आइटम बीच में है, वरना मैं कैसे उसको बीच में करूँ, अदरवाइज़ उसको बीच में करने के लिए मुझे वो मार्जिन ऑटो वाटो पुरानी तरकीब में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या क्लास दे देता हूँ, यही हेडर एज इसको क्लास दे देता हूँ मैं, ठीक है। या इसको बल्कि मैं नया एज कर देता हूँ, नया बना लेता हूँ, पुरानी कब्रें खोदने से बेहतर है, क्या उसको बोलते हैं, हाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है नई कब्रें खोदी जाएँ, तो नई कब्र खोदते हैं, तो नया एज बना के ना मैं एक अलग से इसको देता हूँ, नैव एज मैंने बनाया, और नैव एज को मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स बना देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स बनने से क्या होगा कि इसके अंदर मौजूद जो आइटम है वो क्या हो जाएगा, वो इसका आइटम बन जाएगा, ठीक है। होगा कुछ भी नहीं, लेकिन फिलहाल तो सब कुछ वही है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो आइटम था वो स्टिल लेफ्ट पे हुआ हुआ है। तो इसको मैं साथ साथ क्या बोलूँगा, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, सही हो गया, थोड़ा सा सर के ऊपर से जाता हुआ फील हो रहा है मुझे आप। अच्छा, इसको मैं डिज़ाइन में ज़रा मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। डिज़ाइन में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट यही वाला काम किया जो मैंने इसके साथ किया था। डिज़ाइन में जो है ना, मैंने जो मैंने इसके साथ काम किया था ना, सेम वही मैंने काम इसके साथ किया।
मैंने जस्ट इसका ना एक और पेरेंट बना दिया है, इसको मैंने जस्ट एक और पेरेंट दे दिया है यहाँ पे, और इस वाले को मैंने 1000 पिक्सल पे लिमिट किया है। अच्छा, ये 1000 पिक्सल में लिमिट करना ये मेरे डिज़ाइन की वजह से हो रहा है, वरना इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तो मेरा एज टू एज होता ना डिज़ाइन मेरा, तो मैं एज टू एज करता उसको, ठीक है। अभी के केस में ये होगा कि अगर मैं अपने पेज को जूमआउट करता हूँ मज़ीद में, ठीक है, अपने पेज को मैं जूमआउट करूँगा तो जैसा उनका बनता था ना, वो पिलर की शक्ल अख्तियार कर जाता था, तो ये उस तरह से फील कराएगा मुझे। अगर मैं ये नहीं करता, एज टू एज रखता, तो वो दूसरी तरीके से दिख रहा होता। और जूम इन करने पे क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा आपस में क्लोज होता जाएगा, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ इसी तरह का हुआ है। अच्छा, इन्होंने इसको भी ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ना कैपिटलाइज किया हुआ है, तो ज़रा हम भी आके इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सही है, अपर केस किया है तो हमारा भी ये अपर केस हो गया। ठीक है, फॉन्ट इन्होंने ज़रा डिफरेंट रखा है, फॉन्ट इन्होंने डिफरेंट रखा हुआ है थोड़ा सा, वो फॉन्ट यहाँ से कॉपी करके निकाल लीजिएगा। फॉन्ट फेस तो ज़ाहिर है, लिंक तो होगा ना इसके अंदर, जो भी इन्होंने फॉन्ट लगाया है यहाँ पे। ऐसे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे जब जाके, तो यहाँ पे ना आपको फॉन्ट दिख जाएगा यहाँ पे, किधर, नेटवर्क में। ये इन्होंने फॉन्ट फेस वेस ये इधर लगाया हुआ है सारा। ये आप ये भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें, और ये पूरा का पूरा सोर्स आपको दिख जाएगा। इस सोर्स में आप देख लेंगे इन्होंने कौन सा फॉन्ट का टाइप वाइप क्या इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, पूरे टाइप को आप डाउनलोड कर लें, टाइप को डाउनलोड करके अपने पास एज इट इज़ लगा लें आप, या गूगल फॉन्ट पे जाएं और इससे मिलता जुलता कोई फॉन्ट दूसरा उठा के वो लगा दें आप, उससे भी हो जाएगा काम ये। ठीक है, तो हमने ये क्या बना लिया। अच्छा, इसका ये हटा देते हैं, ये जो है ना इसका जो बॉर्डर जो लगा हुआ है, ये मैंने वैसे ही समझने के लिए लगाया था ताकि वो दिखे। इस बॉर्डर को अब मैं हटा देता हूँ, तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन गया। इसके नीचे इन्होंने एक बॉर्डर लगाया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम आप लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो मेरा एल आई है ना, इसको मैंने कुछ ना कुछ विड्थ भी देनी है। जाहिर है, विड्थ जब तक मैं नहीं दूंगा तो वो फिर उसको पता नहीं चलेगा कि जी उसकी विड्थ कितनी रखनी है। लेकिन इन्होंने शायद ये विड्थ नहीं दी हुई है, इन्होंने ये विड्थ नहीं दी हुई है, क्योंकि ये इवनली शो नहीं हो रहा। हाँ, तो हम भी विड्थ नहीं देंगे फिर, इन्होंने नहीं दिए तो। अच्छा, तो उससे अब क्या होगा कि जब मैं इस पर बॉर्डर बॉटम लगाऊंगा ना, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, ये कलर हो गया 2 पिक्सल सॉलिड, और ये लगा दिया मैंने। ये बॉर्डर मैंने सिर्फ बॉटम पे लगाया, आप नोट कीजिएगा। रिफ्रेश करता हूँ, सब पे ऊपर आ गया ये, लेकिन ये आएगा उतने पे ही जितना क्या है मेरा, जितना मेरा टेक्स्ट का साइज़ है। किसी में अगर, हाँ, किसी में अगर मेरे पास टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा है तो उसमें ये थोड़ा सा बड़ा बना पाएगा। उन्होंने भी इसी तरह किया हुआ है, हमने भी इसी तरह कर दिया। हाँ, वो असल में एक पे इसलिए शो हो रहा है कि वो विजिटेड एक पेज उन्होंने बनाया ना, तो इसलिए एक पे शो हो रहा है। मे भी मैं ये कर सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई एक क्लास लगा दूँ मैं फ़िलहाल के लिए, कि जी वो इस करंट पेज ये वाला है उसके ऊपर मैं सिर्फ शो करा दूँ। अभी फ़िलहाल मैंने सब पे लगा दिए। तो अच्छा, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा डायनेमिकली होता है। जब आप मल्टीपल पेज की वेबसाइट बनाते हैं तो वो हर पेज पर नेविगेशन बार पूरा पूरा बना हुआ होता है ना, तो आप एक पेज पे एक पे लगा देंगे बॉर्डर, दूसरे पे लगा देंगे, तीसरे पे लगा देंगे, तो इस तरह करके वो चीज़ मैनेज हो जाती है। ठीक है, मल्टी पेज की वेबसाइट है जब तो। वेल, तो मेन आइडिया हमारा जो है यहाँ पे आ गया ये वाला। अच्छा, इस पे हवर पे भी ना इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ये काम, लेकिन कर देते हैं ये भी ज़रा। और यहाँ पे ना मैंने उसको बोला है कि भाई क्या हो जाओ आप, लिस्ट आइटम पे जब हवर किया जाए ना तो क्या हो जाए, कलर जो हो जाए ना टेक्स्ट का, सिर्फ कलर होता है ना टेक्स्ट के लिए, तो जब लिस्ट आइटम पे होवर किया जाए तो कलर उसका क्या हो जाए, ये वाला कलर हो जाए। अच्छा, कलर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनहेरिटेड होती है। अगर मैं किसी भी पेरेंट पे लगा दूँ तो वो पूरा अंदर तक पेनेट्रेट करती है, जितने भी चाइल्ड है ना उसके सबका कलर वही हो जाता है। तो मैं अगर एल आई पे बोल दूँ या मैं नेफ पे बोल दूँ, किसी पे भी बोल दूँ, तो जितने उसके चाइल्ड होंगे ना सबको वो उस कलर का बना देगा। रिफ्रेश किया मैंने, हुआ क्यों नहीं भाई। अच्छा, वो हुआ इसलिए नहीं कि मैंने ना नीचे कलर अलग से बताया हुआ है, ब्लैक, नोट कर रहे हैं आप, मैंने नीचे इसको कलर अलग से बताया हुआ है,
तो मैं इस कलर को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई LI का कलर जो ब्लैक हो बाई डिफ़ॉल्ट और होवर करने पर ये हो जाए, इससे मेरा ही मसला हल हो जाएगा। या तो मैं इस ब्लैक को पूरा ही हटा दूँ, पूरा तो खैर नहीं हटाऊँगा मैं, वरना वो उसका कलर। यार ये क्या चक्कर है, LI है कौन सा वाला, ज़रा पहले तो LI को देख लेना। LI मेरा ये कितना है? अच्छा LI पे जब मैं हवर करता हूँ तो कलर तो सही है, चेंज तो होना चाहिए यार। एंकर टैग पे कर लिया जाए, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा लेकिन इसका, यार होना तो चाहिए। अच्छा जब मैं LI पे ये कलर लगाता हूँ ये भी चेंज नहीं होता, कलर तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, होना तो चाहिए, है कि नहीं। चलो इन दोनों को उठा के हम उधर कर लेते हैं, लेकिन ये स्टिल होना नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है, इन दोनों को उठा के मैंने इस पर कर दिया। मैंने कहा कि भाई LI के अंदर जो A है ना उस पर हवर हो तो हो जाए। ठीक है, होना शुरू हो गया अभी, लेकिन वैसे भी हो जाना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर किसी भी पेरेंट किसी भी कंटेनर पे अगर मैं कलर लगाता हूँ तो उसके अंदर मौजूद जितना भी मज़ीद आइटम या जितने भी चाइल्ड हैं सबका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो। स्टिल अभी वो हुआ नहीं, आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है जी, हवर करने से ये होना शुरू हो गया। थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज़ बड़ा तो नहीं है, उतना ही है जितना बॉडी का होता है। अच्छा थोड़ा सा थिन हुआ है, उसको थोड़ा सा थिन भी कर देते हैं। क्या था उसका भाई बोल्ड करने का फॉन्ट वेट? फॉन्ट वेट मैंने कह दिया भाई 200 हो जाओ आप, ज़रा ना मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा आप, नहीं 100 कर देते हैं। अच्छा इस फॉन्ट में वो 100 200 वाला हिसाब नहीं है, इसके लिए मुझे कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए होगा जिसमें ये हो ये वाला साइज़। या फॉन्ट वेट मैं इसको थिन लगा के ज़रा देखूँ। क्या होता है वो, तीन तीन होता है ना इनका, बोल्ड होता है, नॉर्मल होता है और ब्लैक होता है, एक उससे कम वाला भी होता है, थिन होता है, थिन नहीं होता यार। वेल इसमें वो है ही नहीं ना, नहीं नहीं फॉन्ट वेट का काम है ना, ये साइज़ कैसे होगा। फॉन्ट वेट मैंने 100 तो लगा दिया, लेकिन 100 फॉन्ट वेट ना इस फॉन्ट में मौजूद नहीं है। जब हम फॉन्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे उस वक्त हमने अच्छे से देखा था, वो प्रिंटिंग प्रेस वाली मिसाल दे के हमने देखा था कि वो प्रिंटिंग प्रेस में स्टैम्प होते थे, वो अलग अलग फॉन्ट के अलग अलग स्टैम्प होते थे। हाँ तो इसका फॉन्ट मुझे मोस्ट प्रॉब्ली चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे ये चीज़ अवेलेबल होगी। जब हम गूगल फॉन्ट से कोई फॉन्ट उठाते हैं तो वहाँ पर हमें वो बता भी रहा होता है कि इस फॉन्ट में कौन कौन से वेट्स अवेलेबल हैं, जो जो वेट हम इंक्लूड करते हैं वही आता है, अदरवाइज बाकी वेट्स मेरे पास नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस फॉन्ट में एक ही वेट अवेलेबल है जो ये हुआ हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बढ़ाने से बढ़ तो जाएगा ये 400 अगर मैं कर दूँ इसको, तो अभी ये बढ़ भी नहीं रही है, क्या चक्कर है। 600 है इसमें अवेलेबल, एक इसमें 300 है, एक इसमें 600 है, बस दो ही वेट्स हैं इसके अंदर, सही है, और ज़्यादा वेट नहीं है। हालांकि गूगल फॉन्ट में जब हम जाते हैं तो उसके अंदर हमने देखा है कि यार काफ़ी सारे फॉन्ट होते हैं उसमें अच्छे खासे वेट्स होते हैं, और मतलब 100 से लेके जैसे रोबोटो की अगर हम बात करें तो रोबोटो के अंदर हमारे पास ये तमाम वेट्स अवेलेबल हैं, 100 300 400 500 700 900 और बस 900 भी ख़त्म है। ठीक है, लेकिन उस फॉन्ट में जो उस वक्त वहाँ लगा हुआ है ना उसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ठीक है जी, फ्लैक्स बॉक्स का एक दफ़ा और आपको इंट्रो मिल गया, अब ये वाली वेबसाइट एज इट इज़ बन जाएगी यार। यहाँ तक तो अगर आप तो फिर देख के भी वो तो पता चल गया ना कैसे होता है यहाँ तक वाला, ये आगे वाला आइटम आपने बनाना है। और आइटम बनाना इसी तरह है, आपने पहले उसका ड्राइंग बनानी है कि ये होगा कैसे। वंस आपको ड्राइंग में समझ आ गया ना तो कोडिंग भी हो जाएगी। अब कोडिंग करते हुए ना जब भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी मैं यूँ ड्राइंग पे जा रहा था वापस, ऐसा ही है ना, ड्राइंग तक तो बहुत अच्छा समझ आया था, ड्राइंग के बाद कोडिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे ना घर पर दोबारा जाके इसका पहले ड्राइंग बनाएंगे और फिर ड्राइंग को देखते हुए उसके हिसाब से कोडिंग लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएगा, इतना मसला नहीं है।
ये फिग्मा है वैसे, कोई भी पेंट वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, फिग्मा इंस्टॉल कर सकते हैं आप, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि फिग्मा पे ही करें आप, पेंट है, एमएस पेंट है, और भी बहुत सारी हैं उसके अंदर ड्राइंग की ऐप, कोई भी इस्तेमाल कर लें, एक ही बात है, ठीक है जी। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।